एवरीवन स्टार्ट करते हैं बच्चों, आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं जो मुझे देना है, देन आई विल टेक क्यू एंड ए सेशन। ओके, बेसिकली उस दिन जो मैं नोट्स जब पीटीएम था तो मैंने कुछ कुछ चीजों का आइडिया दिया था। उसमें सबसे पहला पॉइंट था ये कि हमारा पोर्शन क्या क्या कवर हुआ है अभी तक। तो बच्चों अभी तक हमारा मैकेनिक्स में ये पोर्शन कवर हुआ है सेंटर ऑफ मास तक, ऑप्टिक्स कवर हुआ है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कवर हुआ है। मैं ये कहूंगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग। ऑप्टिक्स स्कोरिंग होता है, मुझे बहुत सिंपल लगता है, ठीक है, एंड एग्जाम में भी काफी ज्यादा आता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी देखोगे तो सेम चीज है, स्कोरिंग है और सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी है बट स्कोर हो जाता है। इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं और सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छे से ये दो यूनिट्स आप कर सकते हो, राइट। ये हमने 11th क्लास में कर लिया है। मान लो बच्चे कहते हैं कि सर हमें जब ट्रैक टू स्टार्ट हुआ तो हमसे चीजें होना बंद हो गई और हमसे हो नहीं रहा है कुछ, तो मैं कहूंगा विच इज ओके, कोई बात नहीं, बैकलॉग हो गया, कोई बात नहीं, मैं कहूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या है, अब हमारा क्या क्या बचा है? हमारा बचा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वन सेकेंड, हमारा बचा है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली यूनिट जिसमें चैप्टर्स आएंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी। वेव वाली यूनिट आएगी जिसमें चैप्टर्स आएंगे वेव मोशन, साउंड वेव, वेव ऑप्टिक्स। ओके, मॉडर्न फिजिक्स आएगा जिसमें ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। कुछ चीजें हम ऐड करेंगे और बाकी सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, ये मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, डोंट वरी। मैकेनिक्स का रोटेशन हम स्टार्ट करेंगे कल से, नेक्स्ट लेक्चर से, जो भी है जुलाई और अगस्त वाले बैच में, संडे सैटरडे वाले लेक्चर से, ग्राविटेशन, ऑसिलेशन, फ्लूइड्स एंड दिस। इंटरेस्टिंग थिंग इज अब जो चैप्टर्स हैं, अगर मैं रोटेशन को छोड़ दूं तो आप ये समझ सकते हो बाकी के चैप्टर्स में ऑलमोस्ट जीरो रिलेशन है, ऑलमोस्ट जीरो रिलेशन। मतलब बस इतना पता होना चाहिए थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, कब अप्लाई होती हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मोमेंटम कब कंजर्व होता है वो, तो ये बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। उसके अलावा कोई रिलेशन नहीं, अगर कोई रिलेशन नहीं है तो अगर किसी का बैकलॉग भी है तो भी वो अच्छे से कर सकता है, क्योंकि ही कैन स्टार्ट फ्रेश बिना सोचे समझे कि यार मेरे को आता है नहीं आता है, मुझसे होगा या नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ रिलेशन ही नहीं है। तो मेजर चीजें आप अच्छे से कवर कर सकते हो, तो ये कॉन्फिडेंस रखो कि आप कर सकते हो, मतलब देयर इज सफिशिएंट टाइम। आई एम टेलिंग यू, उस दिन में मैं स्ट्रेस कर रहा था, अगस्त के बाद भी वी हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा करते हैं, और अभी तो यू आर एट स्टार्ट ऑफ द मार्च, मतलब मिड मार्च में हो आप, तो आपके पास इनफ टाइम है, जस्ट दैट कि अब आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है राइट डायरेक्शन में, फोकस करना है, है ना, कि हमें जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको हम अच्छे से सॉल्व करें, तो आपका जेई अच्छे से निकल सकता है। अच्छी चीज ये है कि ये जो मैं टॉपिक्स कह रहा हूँ, अगर मैं इस पर फोकस करूँ तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ये मेजरली क्लास 11th का पोर्शन है, ठीक है, बेस्ड ऑन योर स्टेट बोर्ड, और अब जो हम पढ़ेंगे ये क्लास 12th का पोर्शन है बेस्ड ऑन योर स्टेट बोर्ड। तो क्लास 12th का पोर्शन जब हम पढ़ेंगे तो क्लास 12th के पोर्शन से क्या होगा, आपका 12th भी प्रिपेयर हो जाएगा, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी प्रिपेयर हो जाएगा, तो यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली साथ के साथ। आप मुझसे पूछोगे सर दोनों में डिफरेंस होता है क्या, द आंसर विल बी नो, दोनों बिल्कुल सिमिलर होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, है ना, एक में थ्योरेटिकल होता है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, दूसरे में वही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ उसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यू हैव सफिशियंट टाइम, एंड ये जो कोर्स मैं बता रहा हूँ दिस इज क्लोज टू 70%, तो अभी भी हमारा 70% टाइप्स चीजें बची हुई है क्लोज टू जो एग्जाम में आता है, तो आप कर सकते हो, राइट।
हाँ शुभम, आपने रेज हैंड किया, कुछ बोलना है? सर आप बोल रहे थे कि सर ये टाइम के बाद सर आपने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि उनका स्कोर अच्छा हो जाता है, लाइक आपने अभी बोला था, तो करेक्ट। सर इज इट एलिजिबल फॉर द पीपल हु आर गेटिंग रैंक लाइक 1100 1200 में यस, आउट? मैं वही वही चीज आपको कम्युनिकेट कर रहा था। अभी आपका एक बार माइक ऑफ करो, करता हूं मैं कम्युनिकेट, है ना? अर्णव कुछ बोलना था? हाँ अर्णव बोलो। सर हम लोगों को 30% पोर्शन कवर करने में लाइक ऑलमोस्ट 9 मंथ्स लग गए, तो 70% कवर करने के लिए भी 9 मंथ्स ही बचे हैं। यार सर ऐसा नहीं है, कैसे? है ना, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं उस पर डिपेंडेंसी। प्लस ये जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उस दिन भी बोला था, बाइक वाला एग्जाम्पल लिया था ZTM सर ने, कि भाई जब स्टार्ट करते हो तो भगाना थोड़ी स्टार्ट कर देते हो, या जब वॉक करना स्टार्ट करते हो तो पहले कदम आप जब चलते हो तो गिर जाते हो, पकड़ के चलते हो, फिर धीरे धीरे वॉक करते हो, फिर धीरे फिर क्या होता है, भागना स्टार्ट करते हो, फिर उसके बाद मैराथन भागते हो, राइट? तो यस बहुत सर। सारी चीजें होती है, इट्स अ प्रोसेस। तो अभी आपने क्या है, वो जो हार्ड वर्क है वो सीख लिया है, नाउ यू नो हाउ टू स्टडी, तो अब चीजें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन होके जल्दी जल्दी हो जाएंगी। वैसा ट्रैक टू भी स्टार्ट हुआ है, ट्रैक टू स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक ट्रैक टू स्लो चल रहा था, अब ट्रैक टू में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, आपको रिओप्टिक्स में 2 2.5 महीने लगा दिए, राइट? तो इस यस सर। तरीके से ट्रैक टू भी स्टार्ट हुआ है, तो आपका कोर्स तो डेफिनेटली आपको लगता है जल्दी होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के 6 7 महीने तो ट्रैक वन ही चल रहा था केवल, वो भी वीक में 2 लेक्चर 3 लेक्चर, बीच में बोर्ड वोर्ड, तो हो जाएगा। आप कोर्स की टेंशन मत लो, वो टेंशन ओके हमारी है, सर। हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि हमें कोर्स कंप्लीट कराना है, दैट इज नॉट योर बिजनेस, है ना? मेरा काम ये रहता है मैं क्लास में तेज ना पढ़ाऊं, मैं भले ही एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूं, बट बच्चों को आराम आराम से सारी चीजें डिटेल में समझाऊं, दैट आई विल डू फ्रॉम माई साइड। ओके, ओके सर। मैं बस आखिरी डाउट ले रहा हूँ, उसके बाद है ना मैं मेरा कंटिन्यू करूंगा, फिर आपके बाद में Q&A सेशन। हाँ बोलो सिद्धार्थ। सर अभी लेकिन बैकलॉग देख के ऐसा लगता है कि अभी इधर का आपने जो मुझे अटेंशन। बैकलॉग वाली बात बोली थी, Q&A में देखेंगे, रुक जाओ, मैं कोर्स के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, है ना? अभी अर्णव लोअर योर हैंड, एवरीवन लोअर योर हैंड, मैं आपको बात बताता हूँ, फंडा क्या होता है। जेई मेन का जब एग्जाम देते हैं ना अभी, तो ये देते हैं 10 लाख स्टूडेंट्स जेई एडवांस के लिए, जो क्वालिफाई करते हैं वो होते हैं 2.25 लाख, ये क्वालिफाई करते हैं। IITs में कितनी सीट्स हैं? ऑन एन एवरेज 15,000 मान लो, सब कुछ मिला के सीट्स, नए पुराने सब IIT IIT मिला मिलो के सब मान लो। अगर मैं NIT IIIT प्लस रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं, दिस इज जेई मेन्स, तो ये अगेन सीटें होती हैं 20,000 के नियर अबाउट। ओके, ये टोटल सीटें हैं, प्लस आपके कुछ है ना अच्छे CET के कॉलेजेस हो गए, CET कॉलेजेस, इसमें और 500 सीटें मान लो अच्छे कॉलेजेस हैं। तो मैं अप्रोक्सीमेटली अगर इस बकेट को बनाऊं, तो ये बकेट है हमारी अप्रोक्सीमेटली सब कुछ मिला मुलू के, मतलब मैंने एक रैंडम लिया है, 35,000 से लेके 40,000 तक। सर ये 5,000 कहाँ से आए? ये मैंने 20,000 एक अप्रोक्सीमेट नंबर लिया है, ठीक है? तो 35 से 40,000 है। अब ये जो 2.25 लाख बच्चे सेलेक्ट होंगे, ऑब्वियसली ये जो क्वालिफाई करेंगे ये वही बच्चे होंगे जो मेंस में अच्छा करेंगे, और जो मेंस में अच्छा करेंगे वही बच्चे मेंस में अच्छी रैंक लेकर आएंगे, राइट? तो बाकी के जो डिफरेंस वाले 7 लाख हैं, 7 लाख जो भी है, 775, वो तो वो बच्चे हैं जो क्लास में अटेंड ही नहीं करते हैं, अटेंड करते हैं तो सो रहे होते हैं,
पढ़ाई नहीं कर रहे होते ढंग से, और अगर पढ़ रहे होते तो उनको पता ही नहीं कैसे पढ़ना है, या फिर आपकी तरह कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अप्रैल में स्टार्ट करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, इफ यू रिमेम्बर मैंने लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में बोला था, जब हम स्टार्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस होता है 110%, ऑगस्ट आते आते वो होता है 70-80%, जनवरी आते आते ऐसा हो जाता है ये ना हो पाएगा सर, जो बच्चे रो रहे ना बैकलॉग है ये है वो है, दिस इज अ साइकिल विच इज रिपीटेड एवरी ईयर। जनवरी में आते आते मैक्सिमम मेजरली बच्चे जो मैं कह रहा हूँ 10 में से 7-8 लाख बच्चे ऐसे, ये तो ना हो पाएगा सर, जीवन में कुछ भी करवा लो मैं सब कर लूंगा, है ना, आई कैन डू एवरीथिंग, बट ये जेई वेई मेरे बस का नहीं है, मैं बहुत स्टड था, मेरे आए 99% बोर्ड में, 10th बोर्ड, और उसने मुझे दी एक गलत इंफॉर्मेशन कि मैं बहुत स्टड हूँ, बट जैसे ही मैं जेई की तैयारी स्टार्ट करी मुझे दिख गया कि भाई ये तो अलग ही चीज है, तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज अ साइकिल जो होती है। अब मेरे लिए ये 40,000 इंपॉर्टेंट है, और इन 40,000 में आप आ सकते हो, ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू। मैं ये नहीं कहता कि IIT क्लियर होगा, मैं तो डे वन पे अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि सर मुझसे IIT क्लियर होगा, मैं कहूंगा पता नहीं, आपके IQ लेवल पर है, आप कैसे इंप्रूव करते हो उस IQ को उसके ऊपर है, बट मैं ये जरूर कहता हूं कि मैं मेंस में अच्छी रैंक निकलवा सकता हूं आपकी, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, आई कैन गिव यू दैट ऑन राइटिंग या इन राइटिंग मैं दे सकता हूं ये चीज कि हाँ मैं एफर्ट डालूंगा, मैं बच्चे से एफर्ट डलवाऊंगा और वो मेंस में अच्छा स्कोर करेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ, मतलब ही कैन गेट इनटू दिस, और ये पहुंच गया तो मेरा काम हो गया, क्योंकि जो बच्चा इतनी रैंक लेकर आएगा वो ऑटोमेटिकली एडवांस क्वालिफाई करेगा, जो 20,000 रैंक लेकर आएगा वो एडवांस भी क्वालिफाई करेगा, क्योंकि ये 15,000 और 20,000 का तो क्या होगा, कॉमन बकेट होगी, राइट? तो आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये जो मैंने कहा जैन ये ना हो पाएगा, इस जगह मेजर बच्चे गिव अप कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम स्टार्ट कर देते हैं, वो नहीं करना है, यही नहीं करना है, मार्क्स नहीं आ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंक नहीं आ रही कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डे इन डे आउट जो हम पढ़ा रहे वो पढ़ो, डे इन डे आउट जो हम होमवर्क दे रहे हैं वो सॉल्व करो, डे इन डे आउट वर्क मतलब हार्ड वर्क करो एंड फाइट मारो सिचुएशन के साथ, करना है करना है करना है, रोज जब सोने जाओ तो ये बोलो आई विल डू इट वॉट एवर इट टेक्स, जब सुबह उठो तो सबसे पहले ये बोलो आई विल डू इट वॉट एवर इट टेक्स, अगले 6 महीने जिस बच्चे ने फाइट मारी वो ऑटोमेटिकली 2 लाख के तो अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहां तो मेजर जनता गिवअप मार चुकी है, मैं बता रहा हूं आपको मार चुकी है गिवअप, तो अगले 6 महीने आई एम टॉकिंग अबाउट टिल ऑगस्ट, सर अभी भी मेरी रैंक इंप्रूव नहीं हो रही, मैं कहूंगा कोई बात नहीं एफर्ट मारते रहो, आप एफर्ट मारोगे जब तक ये अक्टूबर पहुंचेगा ये रैंक आपकी हो जाएगी 1 लाख, कब? अक्टूबर में एफर्ट मारोगे ये रैंक हो जाएगी आपकी 50,000, कहां पर? दिसंबर में, जिस बच्चे ने गिव अप नहीं किया उसके लिए आई एम टेलिंग यू, उसके लिए जो बच्चा कह रहा है सर मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे मैं तो पढ़ रहा हूं, जैसे अभी मैं एक आध बच्चे का एग्जांपल लेता हूँ, शुभम मेरे साथ बैठा है, शुभम कह रहा है सर ही स्टार्टेड विद दैट, मेरे तो मार्क्स नहीं आ रहे, 1,000 रैंक आ रही है, मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं आप करो, अगर मैं एज अ फैकल्टी जो 2012 से पढ़ा रहा है वो कुछ कह रहा है तो कुछ एक्सपीरियंस के साथ कह रहा होगा, ऑब्वियसली आपके नियर अबाउट कोई अगर है तो जो मैं हूं जो 2012 से पढ़ा रहा है 9 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं कह रहा हूं तो मैं मेरी बात को आपको सुनना चाहिए, आंख बंद करके मैं कह रहा हूं कि ये काम करो, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना सर मुझे फीवर हो गया है तो वो क्या कहता है पैरासीटामोल खा लो, तो आप ये थोड़ी पूछते हो पैरासीटामोल में कंपाउंड क्या है फिर ये कैसे काम करेगा किस जगह जाके एक्ट करेगा, नहीं आप उस पर विश्वास करते हो खा लेते हो, राइट? वैसे ही मैं अगर कुछ कह रहा हूं तो उसको काम करो, एफर्ट मारना बंद मत करो इन रिस्पेक्टिव व्हाटएवर यू आर स्कोरिंग, एफर्ट हैज टू बी इन द राइट डायरेक्शन,
राइट डायरेक्शन क्या है उसको मैं दोबारा बता दूंगा, जो मैं क्लास में बताता हूँ उसको कि दोबारा भी बता दूंगा. इट हैज टू बी इन द राइट डायरेक्शन एंड एफर्ट हैज टू बी कंटिन्यूस. कभी भी गिव अप हो लाइफ में हमसे बात करो, आई एम ऑलवेज देयर. आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे. आई एम टेलिंग यू आई विल गिव यू एन अप्रोप्रिएट टाइम. मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ बच्चों के लिए. तो आप जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करते जाओ. धीरे 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 जब ये अगस्त आता है ना, तो आप उन 800,000 बच्चों के तो ऑलरेडी आगे आ चुके हो जिन्होंने गिव अप मार चुके हैं. फिर अगर आप और एफर्ट मारोगे तो ये और वो 100,000 हैं जो है ना अगस्त से अक्टूबर में गिव अप मार चुके. क्यों? बोर्ड्स का प्रेशर स्टार्ट हो गया है, उनको लगने लग गया है कि यार इतना काम करने के बाद भी नहीं हो रहा तो भी नहीं होगा. तो मैं कह रहा हूँ होगा, इट्स अ प्रोसेस. चलना स्टार्ट करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, चोट लगती है. क्या पहले दिन जब चलना स्टार्ट करते हो तब भाग पाते हो क्या 100 मीटर? क्या जब प्रॉपरली 2 साल के होते हो चलना स्टार्ट करते हो तो क्या 100 मीटर भाग पाते हो या चल पाते हो? 100 मीटर भी नहीं चल पाओगे, तब भी पांव दुखने लगेंगे. प्रैक्टिस करते हो, धीरे धीरे बड़े हो जाते हो. तो अब आपसे कोई कहे 5 किलोमीटर चल लो तो आप चल लोगे, कोई कहे 50 किलोमीटर चल लो तो शायद आप अभी भी गिव अप मार दोगे. तो उसमें क्या है, एफर्ट लग रहा है, गिव अप नहीं करना है. आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, दिसंबर तक ये आ जाएगा. दिसंबर के बाद कॉन्फिडेंस का गेम है. जिस बच्चे ने ये कर लिया उसको ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पे ये जो रेंज है ना इसके बीच में लाया करेगा कि यस आई कैन डू इट. क्योंकि अब उसको चीजें डॉट्स कनेक्ट कर पाएगा, हाँ इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है. अगर आज मैं आपको काइनामेटिक्स का क्वेश्चन दूंगा तो मेजर बच्चे ऐसे होंगे हाँ यार ये हो जाएगा हमसे. जब मैं काइनामेटिक्स पढ़ा रहा था तब नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो एक प्रोसेस है. उस प्रोसेस के थ्रू आप ग्राइंड होकर आए हो, आपको उस प्रोसेस में बहुत डिफिकल्टी आई, उससे आपने गिरे और सीखे और आगे बढ़ गए. तो दिस इज द प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो. आई एम टेलिंग यू, कोई भी बच्चा 1,000 लेकर आ रहा हो, 1,500 लेकर आ रहा हो, अगर वो पढ़ रहा है तो वो मीन्स निकाल लेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है. अगर वो रोज पढ़ रहा है, एंड दिस द प्रोसेस हैज टू बी ऑनेस्ट. आप मुझे बोलो मैं पढ़ रहा हूँ और आप अंदर से नहीं पढ़ो तो कुछ होने तो नहीं वाला है. डे इन डे आउट पढ़ना है, फॉर्मूलेज याद रखने, कॉन्सेप्ट याद रखने. कॉन्सेप्ट याद रखो, फॉर्मूलेज याद रखो, अप्लाई अपने आप हो जाएंगे. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी, प्रैक्टिस करते जाओगे तो अप्लाई होते जाएंगे. तो ये जेई मेंस तो हो जाएगा, और जैसे ही जेई मेंस हो गया एक कॉन्फिडेंस अलग होगा, फिर आप फाइट मार के IIT भी निकाल सकते. तो दिस इज वॉट आई हैव टू से. पढ़ना कैसे है, नोट्स पढ़ने हैं, राइट, बुकलेट सॉल्व करनी है. मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूँ बुकलेट क्या सॉल्व करनी है. एक्सरसाइज 1-2 इन चैप्टर अगर है तो, है ना, शॉर्ट नोट्स, प्लस डाउट्स. डाउट नोटबुक बनानी है, नहीं बनाई तो अभी भी बना लो. जब मैं अप्रैल में कहता था तो बच्चे नहीं मानते थे, है ना. अप्रैल में मैं कहता था कि यार ये कर लो तो बच्चे नहीं मानते थे, बट अब उनको रियलाइज होता होगा यार मैंने काइनामेटिक्स के बना लिए थे, होते तो मुझे कितना फायदा होता. तो यही कह रहा हूँ, ये करना है बेयर मिनिमम. दिस इज बेयर मिनिमम दैट यू हैव टू फॉलो. मैं फिजिक्स का बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट फिजिक्स का है, बाकी ये तो सबके लिए वैलिड है. और यार देखो, अभी मुझसे बच्चे पूछते सर HCV का क्या, एक्सरसाइज 3-4 का क्या. अगर आपके पास टाइम नहीं है, 6 टॉपिक्स हैं, यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू एवरीथिंग. मैं शॉर्ट नोट्स को दिखाऊंगा, जस्ट वेट फॉर मिनट, फॉर अ मिनट मैसेज मत करो प्लीज, है ना. मैं क्या कह रहा हूं, अगर 6 ट्रैक चल रहे हैं और 6 ट्रैक में मेरे से मैनेज ही नहीं हो रहा है तो मैं क्या कैसे कर लूंगा HCV, मैं कैसे कर लूंगा DC Pandey, कैसे कर लूंगा एक्सरसाइज 3 और 4. तो जब मैनेज नहीं हो रहा देन यू हैव टू बी स्मार्ट. मेहनत गधा भी करता है, मेहनत इंसान भी करता है, फर्क होता है दोनों में. क्या फर्क है, कौन स्मार्टली वर्क कर रहा है. इट हैज टू बी अ स्मार्ट हार्ड वर्क. तो स्मार्ट हार्ड वर्क में क्या आता है, 6 ट्रैक्स को इक्वल वेटेज देना है. इन द प्रोसेस आई शुड डू बेयर मिनिमम. इफ आई एम एबल टू डू बेयर मिनिमम एंड आई हैव टाइम, देन आई विल गिव टाइम टू एक्सरसाइज 3, 4, HCV, DC Pandey, राइट. इसमें मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, असाइनमेंट.
ओके, तो ये सब आप कर सकते हो, ये कब कर सकते हो, बाद में। अगर सर अब ये वो आएगा दिक्कत, ये इरोडो पे आ गया, अरे मोहम्मद अजलान भाई तुम बेसिक कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इरोडो क्या क्रोटो भी सॉल्व करो तुम। अब सुनना बात को, जो इम्पोर्टेंट चीजें बोल रहा हूँ, कहे कोई बच्चे कहेंगे कि सर मेरे बैच में 4-5 अच्छे बच्चे हैं, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, जैनम सर फटाफट कर लेता है, मैं तो नहीं कर पाता। अब जैनम तो ये सब करके बैठा है 1, 2, 3, 4, और मैं तो सिर्फ ये 3 ही करके बैठा हूँ, तो मेरा कॉम्पिटिशन तो जैनम के साथ है, मैं कैसे कवर अप करूंगा। मैं कहूंगा बच्चे आपको मौका मिलेगा, अगर आप मेरी बात सुनोगे तो आपको मौका मिलेगा, हम कोर्स करा देंगे टेंटेटिवली, मान के चलो अक्टूबर टाइप्स कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास नवंबर से लेके अप्रैल तक का, दिस इज लाइक 6 मंथ्स का टाइम होगा, जहां पे आप रिवाइज करो, रिवाइज करते टाइम क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज 3 सॉल्व करो, 4 करो, डीसी पांडे करो, प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स करो, नई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना हमें, तो वो सब करो। किसी बच्चे को लगता है, देखो HCVB मैं क्या करता हूँ, HCVB मैं बहुत बार यहाँ से हटा देता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ कि HCVB आप यहाँ कर सकते हो, है ना, इस जगह डाल सकते हो HCVB। एक्चुअली HCVB को यही रखना चाहिए, है ना। तो अब बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर JEE 2022 की डेट क्या होगी, भाई JEE 2022 हम लोगों के लिए आएगा या नहीं आएगा वो भी नहीं पता अभी हमें, तो आप JEE की तो बात ही मत करो बच्चे कि कब होगा, वो लोग अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इस साल का JEE कब कराना है, ऑल्दो उन्होंने डेट्स दे दिए, एडवांस का अभी आइडिया नहीं है, तो वो जब भी होगी, कितने अटेम्प्ट होंगे, इस साल उन्होंने 4 दिए, अगले साल भी 4 होंगे कि नहीं होंगे नहीं पता, बट हाँ हर साल अप्रैल में एक अटेम्प्ट होता है, तो हम वो मान के चलते कि आएगा ही आएगा, राइट। तो अगर वो आएगा तो अप्रैल तक का टाइम दिया, तो यू विल हैव सफिशिएंट टाइम, इफ यू वॉक through the path that I have shown, you will have sufficient time for everything. अगर कोई बच्चा XYZ बच्चा जन्म अगर ये starting में कर लेता है तो आपको बाद में मौका मिलेगा, right? आप धीरे धीरे सीख जाओगे। राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर में difference था, सचिन तेंदुलकर क्या था, talented था, starting से talented था, he was scoring like anything from day one when he started playing for India. राहुल द्रविड़ उतना अच्छा player नहीं था starting में, but वो इम्प्रूव किया, he was मतलब स्टार्टिंग में कहा जाता था टेस्ट प्लेयर है, धीरे धीरे वनडे का कैप्टन बना, वो T20 भी खेला इंडिया के लिए, राइट? तो उसने इवॉल्व किया अपने आप को, तो आप भी इवॉल्व कर सकते हो। सचिन तेंदुलकर स्टार्टिंग से तेज खेलता था, तो देयर इज अ डिफरेंस, उस डिफरेंस को समझो, अपनी वीकनेस पे वर्कआउट करो, प्लीज कोई मैसेज मत करो, वो वेस्ट है आपके मैसेजेस। 5 या 6 बच्चे मैं आपको मौका दूंगा Q&A सेशन का, मैं कुछ बोल रहा हूँ सोच के बोल रहा हूँ, तो अपनी वीकनेस को फिगर आउट करो एंड ट्राई टू डू बेयर मिनिमम व्हाट इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज बेयर मिनिमम, मैंने फिजिक्स के लिए बता दिया, मैं फिजिक्स का बता सकता हूँ, मैं मैथ्स केमिस्ट्री का नहीं बता सकता, तो बेयर मिनिमम मैथ्स केमिस्ट्री के लिए यू हैव टू टॉक टू योर कंसर्न फैकल्टीज कि सर ऐसा ऐसा कुछ बताओ, क्योंकि 6 ट्रैक चल रहे, मैं मिस आउट नहीं करना चाहता हूँ कोई अपॉर्चुनिटी, बट मैं 6 ट्रैक में सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा, तो इतना बता दो जिससे मेरा बेसिक अच्छे से कवर हो जाए, मतलब मेंस लेवल से ऊपर का हो जाए, एडवांस को टच कर जाए, बाकी भी मैं करूंगा जो आप बोल रहे हो, बट वो सही टाइम पे करूंगा। ये मैंने ऐसा एक प्लान बनाया है, जो प्लान मैंने बनाया इसको आप आगे फैकल्टी को से डिस्कस कर सकते हो कि मैंने ऐसा ऐसा सोचा है, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, राइट? राइट नाउ इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 0, मुझे पता है कोई 0 नहीं है, आप में से कोई भी बच्चा 0 नहीं है, बट फिर भी अगर कोई 0 से स्टार्ट करता है और उसके अंदर चाह है कि मुझे करना है, तो एक्चुअली आप कर सकते हो, बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट वर्क हार्ड, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट। रैंक कितना आएगा, MT की रैंक क्या होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 से 4 साल पहले 2017 में मैं रावा IIT अकेडमी मुंबई में पढ़ा रहा था, ऑल इंडिया रैंक 51 आई थी, नाम स्किप हो गया बच्चे का, है ना, वो वहां के अच्छे बैचेस में था बट ही वॉज नॉट टॉपर, ठीक है। दिसंबर के आने के बाद वो अलग लेवल पे मचाने लग गया, मतलब वो फोड़ रहा था सारे टेस्ट, फाइनली उसकी ऑल इंडिया रैंक 51 आई थी IIT में, मैंने पढ़ाया था, मुझे कहीं से वो टॉप 100 का मटेरियल नहीं लगता था, बट दिसंबर के बाद उस बच्चे ने अलग लेवल पे चला गया था वो। तो
ये एमटी की रैंक, टीडब्ल्यूटी की रैंक, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो साल आपने कुछ भी किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इवेंचुअली फाइनल डे पे क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। फाइनल डे के लिए आपको ये एफर्ट मारना जरूरी है। ओके, तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। पढ़ना कैसे मैंने बता दिया, बेयर मिनिमम क्या क्या करना है वो मैंने बता दिया, जो मैं कह रहा हूँ करते जाओ, मार्क्स आए या नहीं आए चीजें याद होनी चाहिए। जब आप सिली डाउट पूछते हो तो मैं आपके मजाक भी करता हूँ, कई बार डांट भी देता हूँ, डोंट फील बैड अबाउट दैट। वो आपके बेनिफिट के लिए क्या ये याद क्यों नहीं करके बैठा। तो शॉर्ट नोट्स होंगे तो याद होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने रोटेशन के शॉर्ट नोट्स लिख रहे हैं, पिछले साल बच्चों के लिए लिखे थे। अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं सीओएम का भी लिख के भेजूंगा आपको, मैंने कहा था आपको लिख के भेजूंगा, बट मैं ट्राई करता हूँ लिखने का। ये शॉर्ट नोट्स है, कितने पेजेस के, यू कैन सी 19 पेजेस आर देयर। ये मैं आपके साथ सही टाइम पे शेयर करूंगा, ठीक है? जब सही टाइम होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब मैं शेयर करूंगा, तो आपको दिखेगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। आई हैव रिटन ऑल द फॉर्मूलाज ओवर हियर। टॉर्क का क्या फॉर्मूला है वो मैंने लिख रखा है, एप्लीकेशन के लिए टॉर्क, एप्लीकेशन और टॉर्क लिख रखा है नीचे। इसके बाद टॉपलिंग का क्या फंडा है वो, ये सब मैं पढ़ाने वाला हूँ, इट्स गोइंग टू कम इन फ्यू लेक्चर्स। दिस इज अ समरी ऑफ द चैप्टर, दिस इज अ शॉर्ट नोट। If I want to revise rotation, this will be the material जहां से मैं revise करूंगा। Hinge force के बारे में बता रखा है, सारी चीजें, steps, question को solve करने के लिए steps क्या होने चाहिए वो लिख रखे हैं। Okay, work energy theorem कैसे लगाते हैं, rotational plus translational motion में क्या हो रहा है, okay, किसी भी point की velocity है तो वो कैसे आएगा, वो सब पूरा figure बना के, acceleration निकालना है तो कैसे आएगा, सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं। राइट, इसके बाद क्या कहते हैं, ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने के, प्योर रोलिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड है, तीन मेथड है। मेथड वन लिख रखा है यहाँ पर, मेथड टू लिख रखा है वर्क एनर्जी थ्योरम, मेथड थ्री कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फिर IAR क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ओके, जो भी हो सकता है वो सब मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो दिस इज अ शॉर्ट नोट। मैं 100% ट्राई करता हूं बच्चों मेरी तरफ से कि मैं सीओएम के एक शॉर्ट नोट्स आपको बना के देता हूं, जैसे मैंने आई थिंक फॉर्मूला बैंक बना के दिया था वेक्टर्स का, वो भी यहीं पे कहीं था अभी, फॉर्मूला बैंक, दैट वाज अ शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट्स ऑफ वेक्टर्स, ये मैंने बना के दिया था आप लोगों को। राइट, तो ये चीजें आपको खुद से करनी है, जब आप खुद से करते हो ना तो चीजें याद हो जाती है। तो ये काम आप अगर करोगे तो डेफिनेटली आपका बेनिफिट होगा। शॉर्ट नोट्स प्लस डाउट्स, एक्सरसाइज वन में क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट हुआ था तो लिखना है एक्सरसाइज वन क्वेश्चन 13, दैट्स इट। जब रिवाइज करूंगा तो ये पहले नोट्स रिवाइज होंगे और नोट्स के एंड में लिखा रहेगा डाउट्स क्या क्या है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा होगा एक्सरसाइज वन क्वेश्चन नंबर 13, 17, 25 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक्सरसाइज टू क्वेश्चन दिस 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 HCV क्वेश्चन दिस दिस दिस। तो ये आप करो काम, ये करोगे तो चीजें याद होंगी। यू हैव द मटेरियल की अप्रैल के, अप्रैल में मुझे अगर तीनों सब्जेक्ट डिस्कस करने तो मैं कैसे करूंगा, सॉरी रिवाइज करने तो कैसे करूंगा, तो वो फंडा है। राइट, तो कमिंग बैक टू माई पॉइंट्स जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, हाँ, तो ये बेयर मिनिमम चीजें करो, ठीक है, और हो जाएगा, परेशान मत हो। मैंने जो लिखा है ये इनफ है, क्या क्या इनफ है बेयर मिनिमम में, एक्सरसाइज वन टू इन चैप्टर अगर है तो HCV एंड असाइनमेंट, दिस इज मोर देन इनफ। ओके, फाइन, नाउ यू कैन रेज हैंड्स एंड आस्क। मैसेज लिखने से पहले भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, रेज हैंड करना, एक एक करके मैं कॉल आउट कर रहा हूँ। मोहम्मद अजलान जो भी रेज हैंड करेगा मैं उसका नाम कॉल आउट करूंगा, मैसेज लिखना चाहे मैसेज लिख सकता है उसके बाद। हेलो सर। हाँ मोहम्मद अजलान बोलो। सर व्हाट शुड बी द मिनिमम परसेंटाइल टू गेट अंडर 20,000 रैंक? That is no, not your business, I'm telling you. आप अपने आप काम करो, अपने आप आ जाएगा। 98.5 पे 18,000 रैंक थी last year 2020 में। 98.5 percentile।
ओके, मोहम्मद अजलान के बाद जने, आप मैसेज लिखना चाहो मैसेज लिख सकते हो, माइक ऑन करना चाहो माइक ऑन कर सकते हो, तभी मैसेज लिखना जब मैं नाम कॉल आउट करूं, प्लीज वैसे मत लिखना। हाँ बोलो सर। वो मेरा क्या होता है, एग्जाम में मुझे टाइम की कमी तो थोड़ी भी नहीं होती, लेकिन एक्यूरेसी बहुत लो है मेरा। तो मतलब जिस बच्चे के पास टाइम की कमी नहीं है, उसके पास एक्यूरेसी पे वर्क करने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। कैसे? आप मत करो पेपर अटेम्प्ट पूरा, मैं आपको बता रहा हूँ, एडवांस में या मेंस में 210 नंबर अगर आपके आ गए तो यू विल बी स्कोरिंग 99% percentile। लास्ट ईयर जो अपना टॉपर था कौस्तुभ पेस का, है ना, कौस्तुभ को मैंने ही बोरीवली में पढ़ाया था। इस साल जो हर्ष आया है मुर्देश्वर, उसको भी मैंने पिछले एक साल मैंने ही पढ़ाया था, रोटेशन तक पूरा फिजिक्स मैंने ही पढ़ाया था उसको, जो 99.98 टॉपर आया। डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ इसके, कौस्तुभ के मार्क्स मुझे पता है 220 के नियर अबाउट आए थे, ठीक है, और उसकी 99% percentile कुछ थी। तो आपको पूरा पेपर तो सॉल्व करना ही नहीं है कभी भी जने। अगर आप 70% पेपर सॉल्व कर रहे हो, 300 में से 70% इज 210 विद 100% एक्यूरेसी, तो यू कैन टेक इट फ्रॉम, मतलब यू कैन टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम मी कि आपकी 99% percentile के नियर अबाउट आ जाएगी, दैट इज क्लोज टू 10,000 rank। मतलब और भी कम हो सकती है, मैं उस नंबर पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट क्लियरली आप 10,000 के अंदर हो गए। तो आपको एक्यूरेसी पे वर्क करना है। एक्यूरेसी पे वर्क करने के लिए प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, हमें ऐसा लगता है कि मेरी कैलकुलेशन एरर है, ऐसा नहीं है। आप अपने एक दिमाग में एक इमेज बना के बैठो कि वैसा नहीं करना है। यू शुड थरली चेक ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन आफ्टर टेस्ट, जिसको मैं कहता हूँ एनालिसिस करना। पेपर देने के बाद 3 घंटे के पेपर का एनालिसिस 6 घंटे में होता है। यू शुड चेक ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन, मैंने सही किया है, इफ यस तो क्या मेरा मेथड सही है, मेरा मेथड सही है तो क्या मेरा मेथड बेस्ट मेथड है, एक वो हो गया। अगर मुझसे गलती हुई तो गलती किस तरह की है, बच्चे दिमाग में कहते हैं यार वो उसकी कैलकुलेशन एरर है, अगर 1 की जगह 2 लिख दिया होता तो मेरा आंसर आ जाता, बट वो 2 लिखने के बाद भी आपने चेक किया कि नहीं किया, आखिरी स्टेप में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्या आपकी कैलकुलेशन एरर है जेन्युइनली, क्या आपकी कॉन्सेप्चुअल एरर है, क्या आपने 2 की जगह 1 लिख दिया फाइनल आंसर में, है किस तरह की मिस्टेक है, वो फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको एनालाइज करने में टाइम लगता है। तो आप अपने हर टेस्ट पेपर को एनालाइज करोगे ना, तो आप 4 गुना सीख रहे हो, जितना मैं क्लास में सिखा सकता हूँ उससे 4 गुना ज्यादा सीखोगे आप, क्योंकि आप वहां पे दैट वॉज अ रियल टाइम टेस्ट, जहां पे आपने क्या किया क्या नहीं किया वो आपके सामने आ गया। नाउ यू शुड एनालाइज इट प्रॉपरली, वॉट वेंट रॉन्ग। अगर मतलब स्टार्टिंग के टेस्ट में कुछ बच्चों के 280 आए थे 300 में से, तो मैं उनसे कह रहा था 20 नंबर कम क्यों आए, 280 आए बहुत अच्छे, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, बट वाई दोस 20 marks, मतलब वाई यू आर नॉट एबल टू सॉल्व गेट दोस 20 marks, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या उसी 20 marks के और क्वेश्चन 50 marks के आ गए तो बाद में, तो मेरे लिए वो 20 marks क्यों नहीं आए, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एनालाइज करते जाओ, आप हर टेस्ट में कुछ ना कुछ सीखोगे, और अक्टूबर तक मैं कह रहा हूँ वो लाख की जगह आप अक्टूबर में ऑटोमेटिकली 50,000 पे पहुंच जाओगे, क्योंकि आपने 50,000 बार मिस्टेक करके सीख लिया कि मुझे मेरी मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती है। एग्जाम में वही आने वाला है यार, कुछ नया थोड़ी आने वाला है। आज अच्छी वर्मा जो आप पढ़ते हो, ये मेरे पास जो अच्छी वर्मा है वही है, और मैंने मेरे पास जो अच्छी वर्मा थी वो मेरे भाई की थी, जिसने 2005-06 में IIT क्लियर किया था, और वो भी उसने सेकेंड हैंड खरीदी थी। तो इतने सालों से बुक वही है, कॉन्सेप्ट वही है, एप्लीकेशन अलग अलग आ रहे हैं। अब वो एप्लीकेशन अगर आप धीरे धीरे मिस्टेक्स कर करके भी सीख रहे हो, और आप वो सेम मिस्टेक को रिपीट नहीं करोगे, तो आप चैंपियन हो, राइट? यस यस सर। ओके पृथ्वीराज, नेक्स्ट इज यू, ऑटोमेटिकली प्लीज लोअर योर हैंड, जने आपका हो गया तो लोअर योर हैंड। हाँ पृथ्वीराज सर, क्वेश्चन देखते समझ नहीं आता, प्रोसीड कैसे करना है? कोई बात नहीं, उसको अपने डाउट में डालो, एनालाइज करो कि क्यों नहीं हुआ, है ना? और सर अब हर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने पहले किए हुए हैं ना, उसमें भी होता है ऐसा। वो पहले की में मतलब आपने समझा नहीं है उसको, आपने उसको याद किया है। हमारा दिमाग प्रोग्राम्ड होता है चीजों को याद करने का, समझने के लिए एफर्ट लगता है। तो जब आप मुझसे आज जब डाउट पूछ रहे थे, तो मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चंस के डाउट आ रहे हैं, मैंने कहा यार ये मोमेंटम कंजर्व पे अगर अभी तक वो हो रहे हैं, मतलब अटक रहे हैं, तो आगे तो दुनिया कैसे चलेगी? कहीं ना कहीं जब हमने उसको पढ़ा तो उसको अच्छे से रिवाइज नहीं किया क्लास में। जब भी आपको डाउट है ना, उस क्वेश्चन को खुद से दोबारा सॉल्व करना चाहिए। मैंने तो समझा दिया आज पृथ्वीराज, पर 2 दिन के बाद उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो,
जब आप दो दिन के बाद दोबारा सॉल्व करोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि यार हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो दैट मींस संडे जब समझाया था मुझे याद हो गया, तो मैं अब दोबारा मेरी मिस्टेक पे काम करूंगा। जब दोबारा मिस्टेक पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अच्छा बच्चों, लीव मत करना मीटिंग। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा रिगार्डिंग द बैकलॉग, वो मैंने डिस्कस नहीं किया था, वो पहले कर लेता हूँ बैकलॉग के रिगार्डिंग। कुछ कुछ बच्चे मीटिंग छोड़ रहे हैं, अगर बैकलॉग क्रिएट हो गया है मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता बैकलॉग हो भी गया है तो, क्यों टाइम ही नहीं है। 6 ट्रैक करोगे तो बैकलॉग कवर ही नहीं होगा, और बैकलॉग कवर करने जाओगे तो 6 ट्रैक छूट जाएंगे, वो भी बैकलॉग बन जाएंगे। आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर ऐसा होने ही वाला है, क्योंकि 24 ही घंटे भाई आपके पास भी सोना भी है, रिलैक्स भी करना है, मन भी नहीं लगेगा कई बार पढ़ने में। जिन बच्चों का बैकलॉग क्रिएट हुआ है तो वो किसी रीजन की वजह से हुआ है ना, वो उतने सिंसियर नहीं है लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में आदत बदल जाएगी, तो बैकलॉग दोबारा क्रिएट हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज कहूंगा, बैकलॉग अगर क्रिएट हो चुका है तो भूल जाओ। कौन सा बैकलॉग कवर करो, उस दिन मीटिंग में बोला गया होगा 1 घंटा पढ़ लेना रोज, भाई 1 घंटा नहीं मिलेगा टाइम, मुझसे बोलोगे मैं तो कहूंगा उतना नहीं मिलेगा। तो अब कौन से टॉपिक्स, कौन सा बैकलॉग कवर करो, वो बैकलॉग कवर करो जो आगे के टॉपिक्स में रिलेटेड है। मैं फिजिक्स में जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं समझा दूंगा आपको एक ईच एंड एवरी सिंगल थिंग समझा दूंगा बिना मैकेनिक्स के, क्योंकि मुझे पता है ये बेवकूफ नहीं है बच्चे, उनको वी इक्वल टू यू प्लस एटी आता है, नहीं तो मैं डांट के समझा दूंगा, ठीक है। तो वो बेसिक बेसिक चीजें मैं करवा दूंगा, तो फिजिक्स तो हो जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, आई एम नॉट केमिस्ट्री का टीचर, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉब्लम आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉब्लम इसलिए आएगी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, तो वहां पे बैकलॉग कवर करना जरूरी है। तो अगर आप दिन का 1 घंटा निकाल सकते हो, आधा निकाल सकते हो, जितना भी निकाल दो, तो पहली प्रायोरिटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होनी चाहिए कि ये कवर हो, या फिर दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कोऑर्डिनेट मैथ्स की, क्योंकि कोऑर्डिनेट मैथ्स अभी स्टार्ट हुआ है। आई थिंक यू गाइज आर ऑन सर्कल, तो स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल है ना, आगे आपका पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब आने वाला है। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी तो आपके आगे के पूरे टॉपिक्स उड़ जाएंगे। तो सेकेंड प्रायोरिटी आपकी मैथ्स की उस तरह से हो गई, क्योंकि अभी कैलकुलस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अच्छी अच्छी चीज है कि उसमें कोई बैकलॉग नहीं है। तो चीजें हो जाएंगी, एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। पहले और दूसरा करने में ही आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, उसके बाद टाइम भी बचे तो मुझे फोन कर लेना, मैं बता दूंगा थर्ड प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका बैकलॉग क्या क्या है। तो पहली प्रायोरिटी बैकलॉग में ऑर्गेनिक कवर करना है, क्योंकि वो कनेक्टेड है। उस दिन आपकी जो पीटीएम हुई थी, उससे पहले हमारी मीटिंग हुई थी, तो एमकेसीएच सर टोल्ड अस कि आइसोमेरिज्म इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, एंड इट हैज अ वेरी बेयर मिनिमम रिलेशन विद जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आइसोमेरिज्म का नहीं है तो आपके पास मौका है आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़ने का, और बाय द टाइम जीओसी को रिवाइज कर लो। आई एम काउंटिंग ऑन हिज वर्ड्स, मुझे याद नहीं है कि जीओसी आइसोमेरिज्म में उतना रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है, ही इज द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, तो वो कह सकते हैं, और उन्होंने मुझे बोला है तो मैं इस बात को सही मानता हूं। तो आपके लिए बता रहा हूं, समझ में आई बात। तो इस तरीके से बैकलॉग को कवर करना है, राइट। रिगार्डिंग योर डाउट्स, अब मैं एक एक करके ले रहा हूं। हाँ भाई शुभम बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, तो मैं बोल रहा था कि सर एक्यूरेसी सर टेस्ट में तो ठीक ठाक आ जाती है, मतलब 70 के नियर अबाउट सर, पर वो जो अटेम्प्ट होता है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हाँ, बहुत कम होता है। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना शुभम कि मैंने सर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया पूरे पेपर में 100% एक्यूरेसी है। नहीं नहीं सर, लाइक सुनो दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। तो इतना होना चाहिए कि मेरे 50% मार्क्स आए, 50% मार्क्स लाने के लिए अगर मैं 70% पेपर अटेम्प्ट करता हूँ विद 80% एक्यूरेसी, तो 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स में से अगर मैंने 70% पेपर अटेम्प्ट किया, मतलब मैंने कितना 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, हाँ सर, 70 मार्क्स में से अगर मैंने 80% एक्यूरेसी, तो आई हैव स्कोर्ड 80% आउट ऑफ 70, यस सर, तो मेरे 56 मार्क्स आ जाएंगे। बाकी के 14 जो मार्क्स है उसमें कुछ नेगेटिव होंगे, -1, -2, -3, राइट, वट एवर इट इज, तो आपके 50 के नियर अबाउट मार्क्स आ जाएंगे। यस सर, हाँ, फॉर्मूला मिल गया क्या करना है लाइफ में, 70% पेपर अटेम्प्ट करना है विद 80% एक्यूरेसी टू अचीव 50% मार्क्स ऑफ टोटल। आई बात समझ में? यस सर। तो अब अगर आप उतना पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो
तो यू शुड वर्क ऑन योर वीकनेस, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कम है. समझ में आ रही है बात? यस सर. ओके माइक ऑफ करो. सिद्धार्थ बोलो. सर मेरा मेजर लिए ना फिजिक्स बहुत वीक सेक्शन हो गया है और होता भी है, मतलब इतना अच्छे से समझ में नहीं आता जल्दी जल्दी. आई नो, वो तो अपन डे वन से डिस्कस कर रहे हैं ना कि हमें 2+3 में दिक्कत आ रही है. अरे नहीं सर वैसा नहीं, मतलब अरे वैसा क्या, मैं आप मैसेज भी आधा ही लिखते हो सर, ये डिफाइन ये मैं आपको आपके साथ जो फिजिक्स में आपको बता देता हूँ. फिजिक्स रिक्वायर्स कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि चीजें कनेक्टेड है और कॉन्सेंट्रेशन आपका वीक है ये मुझे पता है, मैं आपके मुंह पे ही बोल रहा हूँ मीटिंग में, डोंट फील बैड अबाउट दैट. हमें कॉन्सेंट्रेशन पे वर्क करना है, हमें कॉन्सेंट्रेशन पे वर्क करना है. अगर मैं कुछ कह रहा हूँ ये चीज याद होनी चाहिए. अगले लेक्चर में मैं जब सिमिलर टाइप की क्वेश्चन कराता हूँ तो आप अटक जाते हो, दैट मीन्स या तो हमने बिना पढ़े आ गए और अगर हम पढ़कर आए तो मुझे याद नहीं है. दोनों केस में मेरा तो एजेंडा सॉल्व नहीं हुआ ना. तो एजेंडा सॉल्व तभी होगा जब हम पढ़कर आएंगे, याद रहेगा और उसको अप्लाई कर पाएंगे. तो प्लीज जब भी मैं डाउट सॉल्व करूं, सुनो मेरी बात, उसको दोबारा सॉल्व किया करो तो आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे. मैं खुद बता रहा हूं, अगस्त बैच में जब अपन डिस्कशन करते हैं तो बहुत बार होता है कि यार ये कैसे हुआ, तो मैं लिखता हूँ ऐसे, अच्छा हाँ सर आपने ऐसा बताया था, तो उससे मुझे क्या समझ में आ रहा है एज अ फैकल्टी, क्या इसको याद नहीं रह रहा है, राइट? बोलो क्या कह रहे हो. ओके सर मैं बोला था कि पहले कर आपने बोला तो समझाया तो फिर मैंने किया वैसा सम्स, अगले दिन ना ऐसा लगता है कि ना वो सम्स याद हो रहे, सॉल्व नहीं मतलब समझ नहीं रहे ऐसा लगता है. हाँ और फिर फिर तो एक समझ लो अभी आपने समझाया फिर मैंने किया अपने आप से तो हो गए, लेकिन दो दिन बाद वही सम्स नहीं होती. तो वो तो आपकी तो वो समझने वाली कैपेसिटी में दिक्कत आ रही है ना, राइट? तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, सुनो मेरी बात, तो मैं वही कर रहा हूँ ना, तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते टाइम लड़के आप देखो, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आज मैंने एक डाउट सेशन लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है सेशन, है ना, 99 आपको दिख रहा है इस पेज में, इस क्वेश्चन में मैंने क्या कर रखा है, क्वेश्चन के अंदर कुछ अलग सा दिख रहा है, अंडरलाइन कर रखा है. ये अंडरलाइन करने से मुझे एज अ फैकल्टी या मुझे एज अ टीचर हिंट मिलता है कि है ना क्या दे रखा है क्वेश्चन में और उसको कैसे स्टार्ट करना है. तो वो हिंट यहाँ पे छुपा हुआ है, तो स्टार्ट अंडरलाइनिंग इट कि ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. समझ में आ रही है बात? तो आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे, आपको भी स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये क्या हो रहा है. मैं कहता हूँ ना क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, तो देर आर फ्यू पॉइंट जो दिमाग में घंटी बजाते हैं वैसा, राइट? यस सर. ओके नेक्स्ट अर्णव बोलो. सर मेरे को दो चीज पूछूंगी. पहला सर मेरे को एक कोई भी टॉपिक पढ़ने का देने कंपाइल थ्योरी की आदत लगती है, जैसे आपने सीओएम के लिए बोला था कि लेक्चर के बाद थ्योरी रीड करो एचसीवी से, तो सर सीओएम के लिए तो आपने बोला तो ठीक है, बट बाकी सब चैप्टर्स के लिए भी लाइक यू नो इस तरीके को करना अच्छी बात है कि गलत है? मेरी अप्रोच सही है कि नहीं? ऑब्वियसली अच्छी बात है, आप पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, डेफिनेटली बहुत फायदा होगा. बट सर ये टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेती है. कोई बात नहीं ना, इन्वेस्ट करना पड़ता है. आपको क्या लगता है कि मैं फिजिक्स में बचपन से चैंप था? नहीं, मैंने टाइम स्पेंड किया है सब्जेक्ट के साथ, तो जब हम टाइम स्पेंड करते हैं तो चीजें समझ में ज्यादा आती है. क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है. क्या हम इसके चक्कर में टाइम वेस्ट कर देंगे? द आंसर इज नो, यू हैव इनफ सफिशियंट टाइम. अभी भी 1.25 साल है एग्जाम में. आप ये करते जाओगे ना, तो जो मैंने फॉर्मूला बताया 70 अटेम्प्ट करना है 70%, 80% एक्यूरेसी के साथ, तो 50% आ जाएगा. अंडम मैं लिख कर दे सकता हूँ, आपका IIT में सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इतना भी कर लोगे. 50% में सबका ही होता है सिलेक्शन IIT में, विद अ गुड रैंक 50% इज इनफ. 360 में से 180 आ गए तो हो गया भाई, IIT बॉम्बे मिल जाएगा. कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलेगा, मैकेनिकल मिल जाएगा, केमिकल मिल जाएगा, सिविल मिल जाएगा, कुछ तो मिल ही जाएगा, और बाकी कॉलेज में और अच्छी ब्रांच मिल जाएगी. तो ये अगर आपने कर भी लिया ना, तो ये आपके लिए फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है. जैसे अभी वो कहते हैं ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, SIP में, दिस इज SIP फॉर यू. छोटा 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 इन्वेस्टमेंट, और इसका फल आपको 1.5-2 साल बाद मिल जाएगा.
ओके समझ गया आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? चीज और पूछनी थी सर, आपने बोला कि 220 मार्क्स में उसको 99 परसेंटाइल आया, बट 220 ऑन 300 तो सर 73 परसेंट बना ना, 99 कैसे हुआ मुझे वो नहीं समझा। परसेंटाइल इज डिफरेंट फ्रॉम परसेंटेज, परसेंटाइल ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि जो बच्चे हैं 10 लाख बच्चे हैं तो 10 लाख बच्चों में से 99% बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर करे, मान लो 99% बच्चों ने 200 से कम स्कोर करे तो 200 के ऊपर वाले सारे बच्चों के 99 परसेंटाइल मार्क्स है, they have scored 99 percentile marks, तो percentile and percentage में difference होता है, okay? Percentage absolute होता है, percentile relative होता है. Relative होता है, समझ गया sir. Okay. Fine. Fine. Krishna बोलो. Krishna, sir, will ever offline classes start for our batch? भाई मुझे बिल्कुल idea नहीं है. ये मतलब अगर आपको idea लग जाएगा तो आप हमें भी बता देना, देश का भी भला हो जाएगा, कब जाने वाला है कोरोना, राइट? ये पीडीएफ में भेज दूंगा, डोंट वरी, आपके लिए लिखा है यार, मेरे क्या काम का है, आई विल सेंड दिस। कृष्णा और कुछ बोलना है? जस्ट सर सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स हैं भाई, सब काम मुझसे ही करवा लो, मैं फोटो दे देता हूँ, मैं ही दे आता हूँ आपका एग्जाम, मेहनत करो बनाओ यार, मतलब मेरे पास भी बहुत बच्चों के डाउट्स आते हैं, आप भी समझ सकते हो, 500-600 बच्चे तो आप लोगों को ही पढ़ा रहा हूँ मैं, इसके अलावा जितने भी फ्लैगशिप बैच स्टार्ट होते हैं, थ्री ईयर बैच होते हैं, सबको मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो अगर हर बच्चा मुझे करता जाएगा मैसेज वगैरह तो मुझसे भी नहीं हो पाएगा, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई एम टेलिंग यू, मैं बच्चों के लिए बहुत डेडिकेटेडली काम करता हूँ, जितना मुझसे हो पाएगा मैं लिख दूंगा, बट जैसे COM का मैंने बोला है तो मैं लिख दूंगा आपको, ठीक है? बाकी चैप्टर्स का भी मैं ट्राई कर सकता हूँ, बट जिनके नहीं है उनके लिए खुद से बनाओ, क्योंकि वो काम के हैं आपके, खुद बनाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा, दैट इज लाइक स्पेंडिंग टाइम विद द सब्जेक्ट। ओके कृष्णा और कुछ बोलना है क्या? जस्ट रिप्लाई नो, अगर नहीं बोलना है सर वेक्टर्स का भेज देना, कौन से बैच के हो बच्चे आप? कृष्णा वेक्टर्स का मैंने भेजा हुआ तो है ही यार सारे, नहीं नहीं बैच जुलाई बैच के हो ना, भेज देता हूँ, समझ गया मैं, जुलाई अगस्त में क्योंकि उनको मैंने नहीं पढ़ाया था ना, उनको मैंने नहीं भेजा होगा, मैं भेज दूंगा, ग्रुप पे डाल देना, आपको मिल जाएगा जो भी मटीरियल चाहिए। ओके लोवर योर हैंड, आयुष बोलो, 497 आयुष माइक ऑन करो, सर आई मेड अ शॉर्ट नोट्स फॉर स्टार्टिंग चैप्टर्स बट व्हेन टू ट्रैक स्टार्टेड आई कुडंट कंप्लीट फॉर्मूला और शॉर्ट नोट्स इवन दे असाइनमेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कहा ना इस स्ट्रगल में आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे 10 लाख बच्चे हैं, अब पॉइंट ये है कि इस स्ट्रगल से आगे कैसे निकल सकते हो, इस स्ट्रगल से आगे एफर्ट मार के इस सिचुएशन से फाइट करके करते रहो, जो बच्चा फाइट करता रहेगा वो एग्जाम निकाल लेगा, और मुझे पता है आप निकाल सकते हो, यू हैव दैट इन यू, तो बिलीव इन योरसेल्फ, आप कर लोगे, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, आगे कोशिश करो कि मैं जब रिवाइज करूँ तभी लिख लूँ तो हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट इज दुबे जी बोलो। हेलो सर। हाँ सर बोलो। हाँ सर वो मतलब एक मतलब सर दो तीन प्रॉब्लम थे तो अभी बोलो कि बाद में बोलो? अभी बोलो ना यार, नंबर आ गया था आपका। हाँ सर, सर वो पुराने मतलब जितने भी टॉपिक है ना वो टेस्ट के पहले तो मतलब मैंने रिवाइज किया था, लेकिन बहुत दिन तक मतलब देखता नहीं, तो फिर अभी से बीच में कोई भी चैप्टर अगर पुराना खोल के देख लिया तो उसमें कुछ समझ नहीं आता है। हाँ सर मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ में आता सर, मेरे पास शॉर्ट नोट भी मैंने बनाया है और वो भी है डाउट नोटबुक, तो जब भी ऐसा होना नहीं समझ में आए सुनो मेरी बात, महीने या दो महीने में एक साइकिल बना लो कि हर मंथ या हर टू मंथ में एक बार मैं पुराने चैप्टर के शॉर्ट नोट्स और डाउट नोटबुक को रिवाइज करूंगा, जब 6 बार ऐसा रिवीजन हो जाएगा साल भर में, 2 महीने में एक बार नंबर आ रहा है तो साल भर में 6 बार हो जाएगा ना, तो 6 बार होने के बाद आप मुझे फोन कर लेना, आप कहोगे कि सर आपकी गोल्डन एडवाइस थी कि सब याद है मुझे, ट्रिग्नोमेट्री का जब साइन ए प्लस बी याद करा होगा पहली बार तो टाइम लगा होगा, साइन थ्री थीटा याद करा होगा टाइम लगा होगा, बट जब उसकी प्रैक्टिस कर ली थी मल्टीपल टाइम्स, यस सर, तो हो गया था फटाफट? हाँ सर 2-3 बार टेस्ट में रिवाइज किया तो फिर हो गया था, तो अगर 6 बार रिवाइज कर लो तो ये भी हो जाएगा, यस सर, तो मतलब अपने शॉर्ट नोट्स और 2 महीने में मतलब एक बार ना ऐसे,
महीने भर में कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, नहीं तो दो महीने में तो करना ही है। ओके सर। एंड सर वो सेकंड है कि मतलब जब से डबल ट्रैक स्टार्ट हुआ है ना सर, तो फिर चाहे तो मतलब अगर मैं शॉर्ट नोट बनाने में टाइम ज्यादा दे देता हूँ तो फिर असाइनमेंट्स बहुत सारे रह जाते हैं, और अगर मैं असाइनमेंट करता हूँ बेयर मिनिमम काम करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है सर, बेयर मिनिमम। समझे तो बात को, एक्सरसाइज 3-4 नहीं भी कर रहे हो चलेगा। ओके सर, सर मतलब वन है ना, बट शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। हाँ मतलब मैं क्योंकि सर मैं सोच रहा था कि इसको छोड़ दूँ और मतलब प्रैक्टिस ज्यादा करूँ ऐसा। बताया ना मैंने आपको क्या करना जरूरी है, उसका फल मिलेगा आपको, बाद में मिलेगा, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा। जब अपन अगले साल मतलब इस साल के एंड में जब दोबारा बात करेंगे तो आप कहोगे कि यू विल थैंक मी कि सर आपने जो बात कही थी वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवाइज करने के लिए मटेरियल होना बहुत जरूरी है। यस सर, राइट, वो तभी बना रहा हूँ। एंड सर एक लास्ट है कि सर मतलब MT2 के पहले जब डबल ट्रैक था तो ठीक चल रहा था सर, MT2 के बाद वाले डबल ट्रैक में मतलब कॉन्सेप्ट और लेक्चर तो सब देखे सर, नोट्स भी बराबर है, शॉर्ट नोट भी, लेकिन सर असाइनमेंट मतलब बहुत सारे नहीं हुए हैं ऐसा, मतलब कोई बात नहीं यार, जो नहीं हुआ देखो जो नहीं हुआ वो तो ठीक है ना। देखो आप थोड़ा स्लो भी करते हो ये मुझे पता है, ठीक है। हाँ सर, जो नहीं हुआ वो ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो, है ना, जो नहीं हुआ वो तो ठीक है, बट कोशिश करो बेयर मिनिमम जितना करने की, ठीक है। अगर बेयर मिनिमम नहीं हो रहा तो मैं कहूंगा एक्सरसाइज 1 and 2, 1, 2 and HCV कर लेना। असाइनमेंट नहीं भी हो रहा तो 1, 2 and HCV तो करो, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड चीजें हैं मेंस के लिए, मतलब वो कर लिया तो मेंस तो हो ही जाएगा फॉर श्योर, क्लियर। दे विल नॉट बी एनी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1, 2 and HCV के बाहर आने वाला है, उसके कॉन्सेप्ट के बाहर आने वाला है, तो उतना कर लिया तो हो ही गया काम। ओके सर। हाँ सर। एंड सर जो पुराने वो थे मतलब बैकलॉग मतलब सर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग में थे, मतलब कॉन्सेप्ट में नहीं थे, तो अक्टूबर के बाद टाइम मिल जाएगा कर लेना। हाँ सर, क्योंकि आप ठीक है बोला था, उसके बाद एक या दो दिन ऐसा मिला था करने को, बाकी टाइम नहीं मिला। जब मैं ही कह रहा हूँ ना, अब बार बार सेम चीज रिपीट करने का बहुत फायदा नहीं है, बहुत सारे बच्चे आई थिंक आपको समझ में आ गया मुझे क्या बोलना है, ठीक है। यस सर, हाँ समझ गया। ओके थैंक यू। हर्षल बोलो, हर्षल आर यू देयर सर? अकैटजा लें या नहीं लें? एक बच्चे का आया है ओम का, अकैटजा अगर आपको जरूर इंपॉर्टेंट लगता है तो ले लो, आपको बैकलॉग कवर करना है किसी चीज का, इट्स अ गुड टूल। मैं मेरा मतलब मुझे अंशुल सर ने डेमो दिया था, ठीक है, उसमें कुछ स्टार्टिंग में वीडियोस के लिए भी मेरे पास अंशुल सर का फोन आया था, तो वो अकैटजा अच्छा है, मैंने नहीं बनाया उसमें वीडियोज, ऑल्दो मेरे को टाइम नहीं था, तो मेरे को अभी अभी हमारा जब संडे को मीटिंग हुई थी तो संडे दिखाया, आई लाइक दैट टूल, इट्स अ गुड टूल, बट अभी मैंने 100% स्टडी नहीं किया, बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि अगर आपको लगता है बैकलॉग है तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, पूरा सब्जेक्ट का लेना है तो पूरे का ले लो, टॉपिक्स का लेना है तो टॉपिक का ले लो, बट टेक एट द राइट टाइम, इफ यू हैव टाइम देन गो फॉर इट, इफ यू डोंट हैव टाइम राइट नाउ तो लेकर कोई फायदा नहीं है। मेरे पास 15 बुक्स पड़ी है, ठीक है, बट मैं अगर पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो कोई फायदा नहीं है ना। ओके हर्षल बोलो बच्चे। हाँ सर, सर मुझे पूछना था लाइक डबल ट्रैक लाइक हमारा पूरा सिलेबस खत्म होगा तब तक चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ये बीच में आया तो है दीपेन, कुछ बोलना है आपको? हाँ सर, मेरे को पूछना था कि कभी कभी ना ऐसा बहुत दिन से अच्छा चले जाते, फिर हफ्ते में एक दो दिन ऐसा होता है कि पूरा दिन पढ़ाई नहीं होती, मतलब एक दो घंटा लेक्चर के अलावा। कोई बात नहीं, देखो यार ह्यूमन नेचर है वो तो, सबका अलग अलग नेचर है, राइट। पहले आप रोज क्लास अटेंड करते थे, ठीक है, फिर उस समय डाउट्स पूछते थे, अब धीरे धीरे आपको 6-7 महीने से तो मैंने आपका कोई डाउट सुना नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो अब होता क्या है, मैं कितना एफर्ट मारूंगा, कोई बच्चा 15 घंटे पढ़ सकता है, कोई बच्चा 5 घंटे पढ़ सकता है, वो बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है, करेक्ट। तो आप लोड मत लो चीजों का, जो हो रहा है अच्छे से करते रहो, धीरे धीरे एफर्ट मारते रहो, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कॉलेज है, मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके ओके सर, थैंक यू। मोहम्मद बोलो, दीपेन लोअर योर हैंड। सर मुझे सर 3 क्वेश्चन पूछना है, तो सर पहला क्वेश्चन है कि सर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सर कैसे डेवलप करना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सुनो मेरी बात, क्वेश्चन किया सॉल्व नहीं हुआ कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन के बारे में सोचो मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हुआ, आस्क दैट क्वेश्चन टू मी कि सर
मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा देखो इसमें ये चीज दे रखी है, ये देते ही मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। जैसे कि आज एक क्वेश्चन था, आई टेक दैट एज एन एग्जांपल इन चैप्टर एक्सरसाइज का, है ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें हाईएस्ट पॉइंट पे हमने दोनों की वेलोसिटी सेम करी, आप थे क्या डाउट में? नो सर। कोई बात नहीं, ये पार्टिकल जब यहां से यहां पहुंचा तो दोनों की वेलोसिटी सेम करी। अब ये मेजर बच्चों को चमका ही नहीं, तो उससे सॉल्व ही नहीं हुआ क्वेश्चन। तो अब ये सॉल्व नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उन्होंने मुझसे डाउट में पूछा और मैंने उनको चार बार समझाया ये चीज कि यहाँ पे वेलोसिटी सेम क्यों होगी। तो ये क्वेश्चन आपके डाउट में जाना चाहिए और जब आप रिवाइज करोगे तो आपको क्लिक होना चाहिए कि अच्छा ऐसा कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, एंड व्हेन यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स यू आर नॉट गोइंग टू मेक द सेम मिस्टेक। एक बार आप रोड पे चलते चलते किसी गड्ढे में गिर सकते हो, दोबारा जाओगे तो ध्यान रखोगे ना कि यहाँ यहाँ गड्ढा था, उसी गड्ढे में दोबारा थोड़ी कूदोगे, राइट? यस सर। तो दिस इज हाउ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। सेकंड क्वेश्चन, और सर मुझे उसमें सर एक चीज पूछना था, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 30 क्वेश्चंस का एक सेट कर रहे हैं और सर अगर हम लोग को ये स्टार्टिंग के क्वेश्चंस नहीं समझ रहे होंगे तो सर सोल्यूशन देखना चाहिए या कैरी ऑन कर देना चाहिए? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा सर HCV सॉल्व करने के टाइम कुछ क्वेश्चन सर नहीं होते ना स्टार्टिंग में, तो मैं सोल्यूशन देख लेता हूँ फिर आगे के हो जाते हैं वैसा। तो ठीक है, देख लो क्या दिक्कत है। देखो यार कोई एक्स प्लस वाई रूल तो है नहीं लाइफ में, किसी बच्चे को एक दो क्वेश्चन देख कर, पांच क्वेश्चन देख के, दस क्वेश्चन देख के कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो देख लो क्या दिक्कत है। एजेंडा सॉल्व होना चाहिए। मेरा एजेंडा है कि मोहम्मद अच्छे कॉलेज में पहुंचना चाहिए, माय जॉब इज डन, कैसे भी पहुंचे, राइट? यस सर। और सर ये यस सर, थर्ड क्वेश्चन, और सर ये थर्ड क्वेश्चन सर ये पूछना है कि सर ये 11th को सर हम लोग ये कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे सर नोट्स, पैसे मिलेंगे क्या उसको क्लासिफाई करने के? सर मतलब देखना है कि प्रिपरेशन लेवल कितना और फिर उसको बढ़ा सकते हैं ना। कोई अभी 12th पे फोकस करो, प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी सारी। फोकस राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, आप लोगों का गलत डायरेक्शन में। 11th क्या 12th क्या, मुझसे कोई पूछता है काइनेमैटिक्स 1 एंड 2 क्या, मैं कहूंगा बेवकूफ है क्या, कुछ नहीं होता, सिर्फ काइनेमैटिक्स होती है। वो तो बुकलेट में मार को हम एक पर्टिकुलर टाइम तक पढ़ा पाते थे, फिर लीव देते थे बच्चों को छुट्टियां, इसलिए 1 और 2 में ब्रेक करना पड़ा, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है ब्रेक करने की। क्यों करूंगा मैं ब्रेक, मेरे को करना ही नहीं, कुछ क्लास नहीं करना, पढ़ते जाओ, सब पढ़ते जाओ, अच्छे से पढ़ते जाओ, जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, जब अक्टूबर आएगा अपने आप दिमाग में क्लासिफाई हो जाएंगी चीजें, ओके? यस सर। और मुझे सर पूछना था कि आपके अकॉर्डिंग एक दिन में सर कितने प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग 60 to 80। सर मतलब सब सब्जेक्ट्स इंक्लूड करके क्या? ऑब्वियसली एक दिन में एक सब एक चैप्टर एक एक सब्जेक्ट के 80 थोड़ी कर सकते हो, 60 to 80 मिनिमम 40 तीनों के मिला के, ओके? ओके सर। हाँ भाई नेक्स्ट कहाँ गया यार, वो कौन था लड़का, मैंने माइक ऑफ कर दिया शायद, कौन था यार गलती से, आयुष मोरे था आई थिंक, वन सेकंड आयुष, कुछ बोलना है बच्चे, मैंने आपको परमिशन दिया है। यस सर। तनिष आपको नहीं, आयुष को दिया है। चलो ठीक है तनिष बोलो। सर मुझे ऐसा है कि आपके लेक्चर समझते पर फिर समझ हो ही नहीं पाते, तो आपने बोला कि कॉन्सेप्ट्स वीक है, तो कॉन्सेप्ट्स कैसे करूं मतलब? 15 बार अपना वही डिस्कशन हो चुका है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ठीक है, तो उन क्वेश्चन में अंडरलाइन करो कि ये सॉल्व क्यों हुआ है मुझसे या मुझे क्या डाउट आया है, ओके? हाँ। तो वो हो जाएगा। अनायका बच्चे वेट करो, मैसेज मत लिखो अभी। हाँ बोलो। आपने बोला कि बैकलॉग अभी मत देखो, तो फिर वो लेक्चर लगा तो क्या करूं उसका? नहीं वो तो आप तो देखो भाई, आपका तो अलग से लगा ही है लेक्चर, सबकी दवाई एक थोड़ी है, किसी को टाइफाइड होता है तो उसको अलग बीमारी की गोलियां दी जाती हैं, पेट दर्द की अलग होती है, सबको पैरासिटामोल खिला रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, राइट? यस, पर वो होमवर्क बहुत दे, होमवर्क भी दे रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने आपसे कल ही तो फोन पे बात करी थी, आप मुझे कॉल कर लेना, अलग से अपन बात करते हैं, ठीक है? यस। हाँ भाई स्टूडेंट बोलो, कौन है भाई ये स्टूडेंट? कौन है स्टूडेंट, कुछ लिखना है आपको, माइक ऑन करके बोलना है? आई हैव गिवन यू द परमिशन, छोड़ो। चलो पीयूष 102। ओ भाई साहब किसी ने बहुत बड़ा सेशन लिखा है, कौन है ये? पीयूष ने लिखा है, सर आई एनालाइज माय टेस्ट पेपर्स एंड इट्स फॉलोड सिली मिस्टेक्स, ऑप्शन मार्क रॉन्ग, डिडंट राउंड ऑफ द इंटीजर टाइप, 10% रॉन्ग आंसर ड्यू टू अनएबल टू अंडरस्टैंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, प्लीज कमेंट ऑन हाउ टू ओवरटेक ऑल दिस।
आपकी एक्यूरेसी बढ़ाओ, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए परसेंटेज ऑफ पेपर कम सॉल्व करो। अगर आप 80% पेपर सॉल्व करते तो उसको 70 ही सॉल्व करो, बट 70 पे टाइम ज्यादा दो। 70 पे जब टाइम ज्यादा दोगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। ओके, इन सभी चीजों का एक ही आंसर दिया है मैंने, क्योंकि आप सिमिलर आंसर दे रहे हो कि यार सिली एरर ही है, राउंड ऑफ नहीं किया, तो ये सब का आंसर वही है। समझ में आ रही है बात? फाइन स्टूडेंट, आपने लिखा है इफ यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो करते जाओ, अभी भी टाइम है, करोगे हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ हो जाएगा, ठीक है। भाविक जल्दी बोलो बच्चों, यार आई हैव टू लीव, बहुत सारे बच्चे। हाँ भाविक सर, आप भी यही दौर से गुजर चुके हो मतलब? हाँ हाँ, कोई मैं फिजिक्स आइंस्टाइन थोड़ी पैदा हुआ था, आइंस्टाइन भी बेवकूफ नहीं मतलब सर, यही सेम सिचुएशन से गुजर चुके हैं। एवरीवन भाई, एवरीवन, ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट, ओके, आता है उसकी लाइफ में। ओके भाविक, निशिम बोलो। श्योर सो मेरे साथ से ये प्रॉब्लम होती है, मतलब कि अगर सपोज मेंस का पेपर दिया सर, मैंने फिजिक्स बिल्कुल रिवाइज करके नहीं किया था, तो सर मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था। फिर एडवांस का सेकंड एडवांस का पेपर दिया था ना सर मुझे, मैंने तो मुझे कॉन्फिडेंस था पता नहीं कैसे, तो जैसे पेपर लिखते गया ना सर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया ना, तो फिजिक्स के फिजिक्स का भी दूसरा बहुत अच्छा करके आ गया था सर, तो बहुत ज्यादा ही फर्क हो गया मेंस और एडवांस के रैंक में सर, मुझे इसकी वजह से समझ में आ गया ना कि कॉन्फिडेंस का गेम है, रिवाइज करा करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर सवाल ही क्यों पूछ रहे हो जब आंसर पता है तो आपको? नहीं सर, मतलब कि सो सॉल्यूशन क्या है पूछ रहा हूं, मतलब कि वो कॉन्फिडेंस क्या, मतलब रिवाइज रिवाइज इज द सॉल्यूशन सो प्रॉब्लम वो नहीं है, मतलब रिवाइज करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये होता है सर मेरे साथ कि मतलब अगर पेपर अच्छा जा रहा है ना सर, तो मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा होता जाता है, तो मेरा मतलब कि डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं ना, रिवाइज करोगे तो चीजें याद रहेंगी, चीजें याद रहेंगी तो पेपर में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, पूरा प्रोसेस है। या रिवाइज नहीं रहता तो है ना दिमाग में एक वो रहता है कि यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वैसा। ओके यस सर, मेरा डाउट कुछ और है एक्चुअली सर। बोलो सर, मतलब कि सपोज अगर मैं सर मैंने पढ़ के गया सब कुछ, फिर अगर पेपर हार्ड निकल गया तो मतलब कि तो मेरे से सर आसान क्वेश्चन भी सर पता नहीं हो डिफिकल्ट लगने जाता है, फिर जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है ना सर, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कभी कभी कर लेता हूँ मैं अपने आप से, तो वो कॉन्फिडेंस की बात। तो उसके लिए आप लेवल टू डीसीपी सॉल्व किया करो, तो आप लेवल ऑफ लेवल टू ऑफ डीसी पांडे, मैंने आपको पहले भी बोला है, तो आप जब सीरीज ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो आप पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना समझ जाओगे। ओके यस सर, सर वो तो मैं कर लेता हूँ सर, तो अभी मतलब काफी हद तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना धीरे धीरे अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके लोअर योर हैंड। यस, जिन भी बच्चों का नंबर नहीं आया मैं ऑर्डर में ले रहा हूँ। नेक्स्ट इज वेदांत, अरे जी आने वाला है आपका नंबर। हाँ वेदांत जल्दी बोलो। सो लाइक नोट्स का बैकलॉग क्रिएट हो गया, लाइक नोट्स ही वो लिखने का टाइम नहीं मिला, तो फिर उसको उसका क्या करना? वो तो मेरी वजह से हो गया होगा शायद, है ना, प्रिंट आउट ले लो यार। अच्छा, एंड सर मतलब जब ये क्लास खत्म होती है तो लाइक रिवीजन को कितना टाइम देना चाहिए लाइक ऑन अ डेली बेसिस? यार रोज का काम रोज रिवाइज करना है, रात को आधा घंटा तो रिवीजन होना ही चाहिए सर। मतलब वो ज्यादा मतलब आई थिंक मेरे लिए 1.5 hours or 2 hours तक फिर मैं वो रिवाइज ही करता रहता हूं, तो फिर इज दैट ओके कि मतलब थोड़ा ज्यादा है? ज्यादा है, 1 घंटा तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेम डे रिवाइज करोगे तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर। अच्छा, एंड तीनों सब्जेक्ट का? हाँ सर। एंड सर एक और डाउट था कि मतलब आपने बोला ऑप्टिक्स इज लाइक रियली स्कोरिंग, बट लाइक मेरा स्टार्टिंग से उसमें काफी लाइक असाइनमेंट्स भी प्रैक्टिस उतने हो नहीं पाए, सो अभी कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, मैंने बता दिया ना आपको अक्टूबर के बाद करना। अच्छा, वो लेटर होंगे। ओके, है ना। यस थैंक यू सर। भुसावल बोलो। सॉरी आदित्य भुसावल से। यस सर। हां बोलो सर। बोलो सर, जस्ट सर आई हैव अ डाउट लाइक our center head puts a peer pressure like complete whole the booklet like all and do yaar woh cheez ka to main kuch nahi kar sakta hu hai na, and please don't put me in that situation ki koi aap pe kya pressure dal raha hai, usko aap manage karo,
कि सर मैं कर लूंगा, आई विल डू इट, डोंट वरी, मैं आपको अच्छा रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा, ये छह उनके साथ अपनी फ्रेंकली प्रॉब्लम डिस्कस करोगे ना, तो वो भी समझेंगे, कोई भी आदमी बेवकूफ नहीं है, कि मेरे पास ये है, मैं अच्छे से कर रहा हूँ सर, सारी चीजें मुझसे नहीं हो पाएंगी, अगर मैं ये पूरा करूंगा तो वो छूट जाएगा, तो मैं बेस्ट निकालना चाहता हूँ, तो हो जाएगा. ओके सर, एंड वन मोर इज हाउ टू रिड्यूस द डिस्ट्रैक्शंस. डिस्ट्रैक्शन के लिए जब भी डिस्ट्रैक्शन हो, आई यूज्ड टू स्लैप मायसेल्फ, जब भी डिस्ट्रैक्शन खत्म हो रहा है सर, वो मैं भी करता हूं, सेम. बस तो जोर से मारा करो, वो नहीं करते होंगे आप, थोड़ा सा जोर से मारोगे तो दर्द होगा, तो वो दर्द आपको एहसास दिलाएगा, एजेंडा एहसास दिलाना कि गलत काम नहीं करना है. ओके अब प्रॉपर ब्रेक लो, डेढ़ घंटे के बाद ब्रेक ले लो, दैट इज ओके. राइट सर, और ब्रेक की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब आधा घंटा, डेढ़ घंटे के बाद ले रहे हो तो दो के बाद ले रहे हो, एक चलेगा 45 मिनट. हाँ एक घंटा भी चलेगा, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. यस ओके, यस थैंक यू. अरिंद जय बोलो. सर एक्चुअली एक है ना, मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया था सर, कि जब ट्रैक टू स्टार्ट हुआ ना, तब पीपी सर मतलब नए थे, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा था ऑप्टिक्स में, तो पर सर मैंने बाद में रिवाइज भी किया, और मतलब सर ने बहुत सारे रिवीजन असाइनमेंट और क्विजेस भी दिए थे, वो भी कर लिया. पर सर टेस्ट में क्या होता है, जब वो क्वेश्चन आता है ना सर, तब मतलब ब्लैंक हो जाता पूरा, मतलब मैकेनिक्स के तो हो पाते, मतलब इनफैक्ट रॉन्ग हो जाते, पर एटलीस्ट कर तो पाता, पर ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाते, तो उसके लिए क्या करूँ सर. ऑप्टिक्स में आ रही है ना दिक्कत. हाँ सर. अभी छोड़ दो, बैकलॉग नहीं कर पाओगे, टाइम बचेगा तो करना. हाँ सर, मतलब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, पर फिर भी अच्छी भी कर लो, अच्छी भी, अच्छी ऑप्टिक्स की सॉल्ड एग्जांपल्स काफी अच्छे हैं. अच्छा ओके सर, सर ने कहा और एंड के क्वेश्चंस सॉल्ड एग्जांपल्स काफी अच्छे हैं, और एंड के क्वेश्चंस भी काफी अच्छे हैं एक्सरसाइज के, एचसीवी के ना सर. हाँ ओके ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम. अनायका बोलो. बच्चे आप मैसेज लिख रहे थे, अब लिखो मैसेज, लिखना है तो अगर माइक ऑन करके बोलना है तो माइक ऑन करके बोलो. अनायका नाउ इट्स योर टर्न. पुराना जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ. अनायका अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बच्चे, तो मैं ये कह रहा हूं कि है ना, बहुत सिंपल है, आपके सामने आपका रोटेशन चैप्टर दिख रहा है जिसको मैंने कलर कर रखा है. अब ये रोटेशन चैप्टर अगर बोर्ड्स में भी है तो अनायका क्या करना है, जिस दिन मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कौन सा रोटेशन पढ़ा के आईआईटी में, उस दिन मैं बोर्ड्स की बुक उठाऊंगी, और उसको चैप्टर को रीड कर लूंगी. तो बोर्ड्स की बुक उठाने के बाद आपको क्या होगा, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? ओके, तो अनायका क्या होगा, आपका वो चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाएगा साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली चैप्टर प्रिपेयर हो गया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार ये बोर्ड्स का भी हो गया साथ के साथ. तो आप बोर्ड्स की बुक खरीद लो आप सब लोग, और देखते जाओ कि कौन सा चैप्टर है और वो हमारे जेई में कब हो रहा है. जिस दिन जेई का कंप्लीट हो जाए उस दिन वो चैप्टर बोर्ड से भी पढ़ लेना. ओके अगम नेक्स्ट बोलो बच्चे. सर सब जब सॉल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन मेंटेन करने होते हैं, मतलब करोगे तो ठीक रहेगा. नहीं मतलब जब सॉल्व करते हैं तो मतलब डाउट्स का करोगे तो बेटर रहेगा, डाउट्स का रहेगा तो बेटर रहेगा. हाँ उतना तो करना ही है. ठीक है और सर इस रोटेशन के भी नोट्स आप थोड़े बिफोर एंड भेज सकते हो, मतलब थोड़ा मैं करूंगा कोशिश. वो मैंने सोचा है, कल ही स्टार्ट हो रहा है तो कल का मैं गारंटी नहीं देता हूँ, मतलब ठीक है अभी तो नहीं हो पाएगा, कल सुबह ही लेक्चर है, बट मैं आपको पहले नोट्स दूंगा रोटेशन के. थैंक यू है ना. मोहम्मद अजलान बोलो.
सर एक्चुअली आई हैव अ बैकलॉग इन दीस टू चैप्टर्स ओनली व्हिच इज वन मैंने बताया तो सही ना यार सेम बैकलॉग के यू आर जस्ट वर्क पावर एनर्जी एंड सीओएम सो यू कैन जस्ट रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट्स इन द रोटेशन चैप्टर सो इट विल बी जब जरूरत पड़ेगी तब डांट खा के रिवाइज कर लेना करा दूंगा या, okay, जब जरूरत पड़ेगी ठीक है ओम बोलो ओम कुछ बोलना है सर पेपर में क्वेश्चन 90% हो जाता है बट मार्क्स 50% ये आता है व्हाट शुड आई डू 40% को फिगर आउट करो कि गलत क्यों हो रहा है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स आज मैंने जवाब दिया तो है जो पेपर को एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा सेम मिस्टेक दोबारा नहीं होगी आगे जाके सब सही हो जाएगा ओके सो डोंट वरी वन बिग प्रॉब्लम क्या बिग प्रॉब्लम है लिख रहा है जब तक ओजस बोलो आप सर कितने परसेंट कॉलेज के लेक्चर स्किप करना चाहिए मुझे बैकलॉग कंप्लीट करना है तो नहीं करूं सर जो नहीं अटेंड करो कॉलेज जो आपके वो है प्रैक्टिकल्स हैं या फिर जो आपका एक्स्ट्रा वो है सब्जेक्ट्स उनके अटेंड कर लो राइट ओके सर और सर अभी मेरा अगर थियरी हो चुका है मतलब कॉन्सेप्चुअल समझ गया तो मैं प्रैक्टिस करने पे ज्यादा ध्यान दूं या नोट्स कंप्लीशन पे कॉन्सेप्ट तब समझ में आता है जब बच्चा क्वेश्चन कर लेता है तो जब तक आपने क्वेश्चन नहीं करे ये दिमाग में मिथ है कि मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ठीक सर ओके तो मिथ को निकालो क्वेश्चन सॉल्व करो अपने आप हो जाएगा ओम डागे आई एम वेटिंग फॉर यू मैसेज आप मैसेज लिख देना ओके I get doubts after lecture and not in lecture, so it remains a doubt forever. नहीं तो next lecture से पहले मैं पूछता हूँ पुराने lecture में कोई doubt था clear करो वहाँ पर क्यों नहीं करते हो हर lecture से पहले पूछता हूँ previous topics में कोई doubt तो forever वाली तो बात ही नहीं है doubts में पूछा करो okay अथर्व बोलो बच्चे Hello sir, am I audible? बिल्कुल बिल्कुल बोलो यस सर अगर एक टेस्ट में ना सर अगर कोई चैप्टर रह गया तो लाइक मैं वो टेस्ट के लिए ना वो चैप्टर कवर करने को ट्राई करूँ या जो कि चैप्टर्स कवर है वो परफेक्ट करूँ जो चैप्टर्स कवर है वो परफेक्ट करो वो होने के बाद टाइम बचे तो थोड़ा सा पार्ट कवर करो पूरा करने जाओगे तो छूट जाएगा क्योंकि चैप्टर्स बड़े होते हैं जेई में यस सर राइट सर और भी है सर बोलो बोलो सर सम्स को कितना टाइम देना चाहिए मैं कुछ सम्स को बहुत ज्यादा ही टाइम देता हूं पांच से दस मिनट ओके सर और एक और एक क्वेश्चन है जल्दी करो यार बच्चे हाँ यस सर सर अगर ना मुझे कोई सर का ना टीचिंग समझ नहीं आ रहा है सो उस वजह से ना मेरा बैकलॉग हो रहा है वो सब्जेक्ट में तो मैं क्या करूँ यार टॉक टू योर सेंट्रल कोऑर्डिनेटर आई कैन नॉट हेल्प सारे टीचर्स अच्छे होते हैं यार सभी अच्छे से पढ़ाते हैं मतलब शायद सबसे खराब मैं ही पढ़ाता हूँ मुझे ऐसा लगता हो बाकी सब तो अच्छे ही पढ़ाते आप पढ़ो यार अच्छा ऐसा नहीं है सर से डिस्कस करो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस विद योर फैकल्टी की आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ठीक है आप जो पढ़ा रहे हो तो मुझे कैसे काम करना चाहिए आप उनसे बात करोगे डेफिनेटली दे विल हेल्प यू आउट मतलब हम लोगों में इतनी समझदारी होती है मतलब एटलीस्ट आई एम इतना समझदार कि अगर कोई मुझे बच्चा बोलेगा तो मैं उसका सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा ठीक है ओके सर थैंक यू सर रोशन बोलो जल्दी रोशन कुछ बोलना है हेलो सर एम आई ऑडिबल हां ऑन एन एवरेज हां कौन एक मिनट ये तो राज ने माइक ऑन कर दिया नहीं रोशन आपने कुछ मैसेजेस लिखे हैं वेट ऑन एन एवरेज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड इन जेईई मेंस फ्रॉम मुंबई कोई फर्क नहीं पड़ता ना मुझे पता है ना आई डोंट केयर फालतू सवाल है जरूरी थोड़ी कि आप उनमें से एक हो हाउ टू कीप अप विद द मोटिवेशन ऑल थ्रू आउट मैंने लेक्चर रखा तो है इसीलिए आज मोटिवेशनल हो जाएगा डोंट वरी सब हो जाएगा मोटिवेशन वगैरह हम कराते रहेंगे जब भी फील लो करो हमसे बात करो जेई में कितने सेलेक्ट होते हैं आई डोंट हैव द आंसर ओके राज बोलो सर हमारे कौन से ट्रैक में कौन से चैप्टर्स कवर होंगे कौन से टॉपिक्स यार थोड़ा सा ट्रैक्स में ऊपर नीचे हो रहा है 99% इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला ट्रैक मैं ही लूंगा और सर वो वेव ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स में सेकंड ट्रैक में चला जाएगा क्या हां मोस्टली वो तो सेकंड ट्रैक में ही आता है और सर वो मैकेनिक्स के लेफ्ट आउट पार्ट्स इलास्टिसिटी पावर रोटेशन तो मैं पढ़ा ही रहा हूं बाकियों का मुझे आईडिया नहीं अभी ओके सर ओके और सर पार्ट टेस्ट की लेवल मेजर टेस्ट से टफ होगी पता नहीं यार अभी तो मुझे आईडिया ही नहीं है आपको टेस्ट के लेवल से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए पढ़ाई करो अच्छे से लेवल वेवल सब अपने आप मैनेज हो जाएगा ओके सेम लेवल ही होना चाहिए मेजर टेस्ट जैसा
थैंक यू. रजत बोलो. रजत खत्म ही नहीं हो रहे यार ये बच्चे कितने हैं. जल्दी रजत आई एम वेटिंग. व्हाट इज पार्ट टेस्ट बच्चे सिमिलर ही होता है सिमिलर टू मेजर टेस्ट होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता नाम दिया है बस उसको ऐसे. एंड रजत कह रहा कितने घंटे पढ़ना है कितने घंटे पढ़ना है तो यार वो कर लो मतलब 5-6 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए मिनिमम. हाँ ये मोटिवेशनल लेक्चर मैं रेगुलर रखूंगा. ध्यानेश्वर कुछ बोलना है. ये कौन है ध्यानेश्वर स्मैमर तो नहीं है ना कहीं. जल्दी ध्यानेश्वर. सर आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो हाउ टू स्टडी हाउ टू स्टार्ट ऑल्सो इज गुड टू रीड रेफरेंस बुक. यस इट्स गुड टू रीड रेफरेंस बुक. जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना स्टार्ट करो रेगुलर बेसिस पे हो जाएगा सब मैनेज. ओके हर्ष कुलकर्णी बोलो. हर्ष कुलकर्णी माइक ऑन करो जल्दी. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. आई नो यू कैन. भाई माइक ऑन करके बोल देना यार. सो प्लीज टेल मी हाउ टू कॉन्सेंट्रेट व्हाइल स्टडीइंग. क्रिकेट आता है 1 घंटा पढ़ता हूँ आधा घंटा नोटबुक का बैट बना के मिरर के सामने बैटिंग करने लग जाता हूँ. थोड़ा सा अपने आप को स्लैप करना स्टार्ट करो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा. ये डिस्ट्रैक्शन से इम्प्रूव करने का तरीका है ये. कौस्तुभ 263 कुछ बोलना है आपको. सो व्हाट डू यू कीप योर सो व्हाट टू डू टू कीप योर सेल्फ काम एज राइट नाउ आई एम दिस फेस फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन मैं बहुत परेशान रहता हूँ स्टडीज में कॉन्सेंट्रेट कम नहीं हो पा रहा. थोड़ा बहुत योगा वोगा कर लो यार ऐसा कुछ कहूँ तो. और क्या आयुष बोलो बच्चे. सर ये भी ये जो ऑप्टिक्स है सर ऑप्टिक्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो जब वो टेस्ट आता ना बाद में कर लेना. टेस्ट में सर सेक्शन 2 और 3 में तो ऑलमोस्ट वही उसके क्वेश्चन रहते हैं. नहीं थे मैंने पेपर बनाया था 4 या 5 क्वेश्चन दिए थे मैंने. प्रॉपर पेपर मैंने उसी 5 क्वेश्चन थे. मैंने पूरा पेपर को एग्जैक्टली डिवाइड किया था. जो नहीं भी आता तो भी क्या करोगे प्रॉब्लम है ना तो छोड़ दो बाकी पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो. ऐसा नहीं हो कि ऑप्टिक्स के चक्कर में बाकी के 5 चैप्टर छूट जाए. सो व्हाट डू यू थिंक अभी अक्टूबर से करूं मैं इसके इसके ऊपर टाइम मिलेगा तो कर लेना. ओके अच्छा ठीक है. तनीषा बोलो बच्चे. सॉरी टू कीप यू वेटिंग बट बहुत सारे बच्चे थे. हाँ तनीषा तनीषा प्लीज माइक ऑन करके बोल दो बच्चे. तनीषा यू आर नॉट ऑडिबल. आई थिंक शी हैज लेफ्ट. ये दो दो कौस्तुभ है. कौस्तुभ आप सर आई वांट टू डू वेल इन बोथ बोथ बोर्ड्स एंड जेई. हाउ टू कीप बैलेंस मैनेज मैंने बताया ना आपको. जेई पे तैयारी करो बोर्ड्स की बुक खरीद लो. रोटेशन चैप्टर खत्म होगा रोटेशन की बोर्ड्स की बुक उठाना उसको पढ़ लेना दोनों अपने आप कवर हो जाएंगे. सोशल मीडिया तो बिल्कुल बहुत बेकार है बच्चे. एट योर एज यू शुड कम्प्लीटली स्टे अवे फ्रॉम दैट. व्हाट्सएप इज द ओनली मीडियम दैट यू शुड यूज फॉर राइट नाउ अगले 1 से 1.25 साल. उसके बाद जितनी मर्जी है. मैं बच्चों को कहता हूँ इंजीनियरिंग इज 4 साल की लंबी छुट्टियां. इंजॉय करना अच्छे से बट अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ. ओके डिस्ट्रैक्शन के लिए तो मैंने बताया व्हेनेवर आई यूज्ड टू डिस्ट्रैक्ट उसके बाद में आई यूज्ड टू टाइटली स्लैप माय सेल्फ ताकि मुझे दर्द हो और मुझे रियलाइज हो कि मुझे ये नहीं करना है. कौस्तुभ हेलो सर. हाँ बोलो जल्दी. हाँ सर मेरा प्रॉब्लम है कि जब स्टार्टिंग से ना मतलब मैं ध्यान नहीं देता था और फिर मतलब थोड़ा चीटिंग वेटिंग करता था थोड़े टेस्ट कोई बात और फिर मतलब उसी वजह से मेरे को कॉन्सेप्ट समझता फिर क्वेश्चन भी समझता नहीं था सर कोई कैसे अप्लाई करना है वो भी नहीं हो रहा तो अभी सर वो फिर सब वो तो हो गया. गिल्ट होता है गिल्ट अब कोई बात नहीं ना अब तो कर रहे हो ना अच्छे से हो जाएगा अब कर रहे हो ना हो जाएगा. हाँ सर पर अभी बहुत जब जागो जब सवेरा हिंदी में कहा जाता है तो सिंस यू हैव स्टार्टेड नाउ यू विल बी एबल टू डू इट. जस्ट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. आई ऑलवेज अप्रिशिएट कोई बच्चा अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है ऑनेस्टली. आपने ऑनेस्टली कहा मैं चीटिंग करता हूँ रियलाइज कर लिया ना तो चीटिंग मत करना आगे से. ओके ओके सर थैंक यू. कशिश बोलो बच्चे. यस सर. सर दिस हैज हैपेंड फ्यू लाइक योर वॉइस इज ब्रेकिंग. वापस प्लीज रिपीट. यू आर नॉट ऑडिबल कशिश.
मैं आपको दोबारा लेता हूँ, आई थिंक आपका कुछ माइक का इशू है। ओम ओम कक्कड़ बोलो बच्चे, ओम यू आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल। मेरा माइक तो वर्क कर रहा है, आई कैन सी दैट। साई NT4 साई, आई हैव गिवन यू द परमिशन। यस बच्चे बोलो। सर अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जो नए चैप्टर्स चालू होने वाले साइड बाय साइड, तो उसके लिए क्या क्या मतलब पहले से आना चाहिए, मतलब अगर मेरा कुछ नहीं आना चाहिए उसमें से तो कवर कर सकते? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम करवा देंगे, डोंट वरी। ओके सर, दिमाग में कोई कचरा नहीं होना चाहिए कि बैकलॉग के चक्कर में छूट रहा है, बाकी सब हो जाएगा। ओके ओम कक्कड़। सर सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है या ओवर नाइट, जैसे मन लगे वैसे पढ़ाई करना, कोई लाइफ में रूल नहीं है 4 बजे उठने का। कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठ के मन लगता है, कोई बच्चे सुबह 4 बजे उठ के नींद में ही 4 घंटे निकाल देते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है सुबह पढ़ना। एग्जाम जिस टाइम पे उस टाइम पे नींद नहीं आनी चाहिए, तो वो हैबिट बना लो, दैट्स इट। कशिश आपने ज्वाइन किया क्या? यस यस सर। हाँ कशिश बोलो। हाँ सर, सर लाइक बहुत बार हुआ, इट हैपेंस लाइक मेनी टाइम्स, लाइक आई एम सॉल्विंग, इट्स गोइंग गुड, बट देन डाउट्स आए, तो यू आर लाइक ट्राइंग टू सॉल्व द डाउट्स योरसेल्फ, यू आस्क पीपल एंड देन, बट देन सॉल्विंग में इतना टाइम चला जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे यू फाइंड कि द डे वाज नॉट प्रोडक्टिव इनफ, लाइक इट इज ओके, और लाइक समटाइम्स और लाइक इट सेम हैपेंस ऑफन एज वेल। इट्स ओके, नॉट एन इशू, लाइक द डे यू आर लर्निंग ना, यू आर लर्निंग, ठीक है, कम याद कम सीखने को मिला, बट सीखा तो सही ना, at least you are addressing the problem and understanding. हाँ बोलो। Yes sir. And sir, मैं it also have like in a row 5 to 6 questions अगर solve नहीं कर पाए तो then it's like आगे mood ऐसा आ जाता है कि like नहीं अब solve ही नहीं हो रहा है। Overcome करना है इस situation को, हो जाएगा। Okay sir. Thank you. Right. आकर्षित जी बोलो। सर मैं ये डाउट है कि सर जब कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तब मैं कॉन्फिडेंस रहता हूँ, लेकिन फिर सर जब चैप्टर का कोई भी हार्ड पार्ट होने लगता है ना, ये फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में, तो फिर सर फिर मैं ट्रैक लूज कर देता हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ, फिर वो इतना प्रोडक्टिव नहीं होता। बिल्कुल नहीं है, आपको एफर्ट मारना है, सिचुएशन से भागना नहीं है, फाइट मारनी है। तो जैसे अभी मैं कुछ दिनों से COM के कब से रिकॉर्डिंग ही देख रहा हूँ। पता है मुझे, आप लोग कुछ बच्चे हैं जो एफर्ट मारना छोड़ देते हैं, एफर्ट मारना छोड़ दिया दैट मींस चैप्टर मिस हो गया पूरा। ओके तो एफर्ट मारना बंद नहीं करना है। ओके सर। साइली बोलो बच्चे। सर मुझे यही डाउट था कि जब भी मतलब कोई टेस्ट अनाउंस हो जाती है तो उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना चाहिए? यू शुड नेवर प्रिपेयर फॉर अ टेस्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर JEE। टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, JEE के लिए प्रिपरेशन छूट जाएगी, क्योंकि अगले इस संडे को टेस्ट है, आज हो गया है ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को मेरे लेक्चर लगेंगे, उनमें मैं पढ़ाऊंगा, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो वो अगर रिवाइज नहीं किया तो बैकलॉग में कवर हो जाएगा। हाँ यस सर, है ना, तो मतलब मोस्टली ऐसे होता कि टेस्ट आ रही तो इसके स्टडी में फिर इतना टाइम नहीं मिलता जो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो रेगुलर पढ़ते रहो, रिविजन नोटबुक बना लो, जब रिविजन नोटबुक बनाओगे ना तो टेस्ट से 2 हफ्ते पहले हर रोज रात को 1 से 2 घंटा रिवीजन नोटबुक को रिवाइज किया करो, अपने आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहा है। सर वैसे शॉर्ट नोट्स तो बनाए हैं। हाँ तो एट द सेम टाइम यू आर नॉट, है ना, डिस्टर्बिंग योर करंट ट्रैक्स, क्योंकि आप 1 ही घंटा पढ़ रहे हो रोज रात को, तो 2 हफ्ते में 14 दिन में आपका पूरा रिवीजन हो सकता है अगर शॉर्ट नोट्स है तो। हाँ सर, पर उसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व आ जाएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आएगा ना बच्चे, शॉर्ट नोट्स के वहां पे एंड में लिखना है ना, जिन जिन क्वेश्चन में डाउट है उन क्वेश्चंस को देखना भी है, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ था, अब हो जाएगा। ओके अच्छा, ओके सर, थैंक यू, है ना, वेलकम। हर्ष कुलकर्णी बोलो बच्चे। सर कॉन्सेंट्रेशन टिप्स दो ना, कॉन्सेंट्रेशन के लिए थोड़ा सा योगा वगैरह कर सकते हो तो बेस्ट होगा, जेन्युइनली एट दिस एज हंसी आती है, बट योगा कैन हेल्प इन योर कॉन्सेंट्रेशन। ओके शिवम बोलो। फिजिक्स में एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री में है, जिस चैप्टर में जरूरत होगी मैं खुद बोलूंगा आपको। आदित्य सिंह बोलो। यू आर नॉट ऑडिबल आदित्य।
and my mic is working, I think. Huh? Ayush Patel, bolo. You guys. Hello, sir. हाँ बोलो. सर स्टार्टिंग में कैसे एंथू था, मोटिवेटेड था, पर अभी वो धीरे धीरे कम हो गया है, बैकलॉग भी बढ़ रहा है. बताया ना, इसीलिए तो लेक्चर तक. अभी तो सिर्फ रिकॉर्डिंग पे ही काम चल रहा है, तो क्या करें. हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है. मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा ये टैब फ्रीज हो गया, कोई बात नहीं, मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लैपटॉप के थ्रू ही बोल देता हूँ आपको. मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा सोचो नई लाइफ स्टार्ट हो रही है, अपने आप मोटिवेशन आएगा, नए चैप्टर्स हैं, धीरे धीरे करके हो जाएंगी चीजें. ओके सर, बैकलॉग का रिविजन करा दोगे ना आप? मैं हो जाएगा, टाइम आएगा जब हो जाएगा अपने आप. ठीक है ठीक है. अल्पित अभी कॉल मत करना यार, आई एम लिटिल ऑक्यूपाइड, 10 बज चुके हैं, जल्दी बोल दो आपको कुछ बोलना है तो. अल्पित माइक ऑन का तो बोलो बच्चे. सर मैं कह रहा था कि ये मेरा सेंटर ऑफ मास ना नियरली हाफ के अराउंड बैकलॉग है, तो कल से आप जब रोटेशन कराएंगे तो फिर वो बैठूं कि फिर पहले बैठना है? कुछ छोड़ना नहीं है, हो जाएगा मैनेज बाद में बैकलॉग. ठीक है हाँ. तो सर फिर ये इसका नोट्स लिखूं क्या पहले सेंटर ऑफ मास के? टाइम मिले तो लिखो, वरना मत लिखो. तो सर फिर वो बैकलॉग कैसे कवर करूंगा उसका? हाँ तो प्रिंट आउट निकाल लेना, अभी मत लिखो, बाद में लिख लेना. ओके सर. ओके आदित्य बोलो, N149 आदित्य. अगर टेस्ट के लिए नहीं पढ़ा फिर उस बैच सेग्रीगेशन नहीं होने वाला, डोंट वरी. इस साल कोई मुझे नहीं लगता बैच सेग्रीगेशन होगा. ठीक है अब बना लो, जिसने डाउट नोट को कभी तक नहीं बनाया, श्रवण अब बना सकते हो. सो आई कैन नॉट सी एनी अदर हैंड, सॉरी गाइज, आई हैव टू रश नाउ, आई हैव आंसर्ड इनफ. बाकी आप मुझसे कॉल पे और